नमस्कार, मैं महेंद्र अमूले। आज हमारा विषय है कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे हम टू द पॉइंट बातें चालू कर रहे हैं। 2018 से 2008 के दौरान कंप्यूटर टॉपिक हर साल मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 तक पूछा गया है, और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बट कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक या दो ट्रेडिशनल टॉपिक से, दो या तीन अप्लाइड कंप्यूटर से, और दो तीन चीज़ें करेंट ओरिएंटेड, और एक दो चीज़ें थोड़ी एडवांस कंप्यूटर से भी आ रही हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं कंप्यूटर के बेसिक से। तो मैं कुछ बातें आपको बोल रहा हूँ, वहाँ से आप लिखेंगे। कई बार यही पूछ लेता है कंप्यूटर के पितामह कौन है, चार्ल्स बेबेज। काम काम की बातें लिखते चलेंगे, क्योंकि ये ढाई तीन घंटे के वीडियो के दौरान, क्लास के दौरान आपको काम की बातें पढ़ाई जाएंगी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना गया है। डॉक्टर राजा रेड्डी पहले व्यक्ति हैं भारत में जिन्होंने कंप्यूटर पर पीएचडी की डिग्री ली है। तथ्यात्मक प्रश्नों का समावेश भी होता है। पहले पीएचडी डिग्री लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजा रेड्डी रहे हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा विश्व का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो इनियॉक है। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इनियॉक है, ये पूछा जा सकता है। इनियॉक क्या है? वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर है। और भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था, पहला निर्मित कंप्यूटर भारत का था, वो पूछा जा सकता है। वो सिद्धार्थ है, अंडरलाइन करेंगे, आईएमपी लगाएंगे। और ये 1967 में बना था, आज से लगभग 52 साल पहले। और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। सिद्धार्थ इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है सिद्धार्थ क्या है। और हमें कंप्यूटर टॉपिक में बहुत ही काम की बातों को पढ़ते चलना है। लास्ट हमारी क्लास में हमने स्पोर्ट्स 3 घंटे का टॉपिक देखा, इसका भी एमसीक्यू हम करीब करीब 250 क्वेश्चन का लेंगे आफ्टर द एंडिंग ऑफ टॉपिक, और 3 FLT लेंगे। आज कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फिर इसके एमसीक्यूज लेंगे, और फिर इसके बाद इसका FLT होगा। इसके बाद हमारा अगला जो क्लास है वो करेंट अफेयर्स का होना है। इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट पर फोकस करेंगे, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। इसके बाद हम MPGK के 3 से 5 लेक्चर करीब लेंगे, 2-3 ट्रेडिशनल और 3 मॉडरेट अप्रोच से। इसके बाद कुछ GK और विविध पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एक्ट का ट्रेडिशनल और मॉडरेट जो चेंज हुआ है, और फिर हम GS के टॉपिकों पे आ जाएंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी को एक बार पूरा 4.5-5 घंटे के क्लासेस के माध्यम से, हिस्ट्री को 4.5-5 घंटे, साइंस को 4.5-5 घंटे, इकोनॉमी को 4.5-5 घंटे, और करीब करीब पॉलिटी को 4.5-5 घंटे। ये हमारी योजना है, और इस योजना के आप दूसरे पड़ाव पर आज हम कंप्यूटर पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। और निस्संदेह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर, सामान्य चीज़ों को लेके चलना है। कंप्यूटर से बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर के बेसिक बैकग्राउंड से, कंप्यूटर के उद्भव से, अर्थमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर से, मेमोरी से कई बार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आते हैं, वायरस से क्वेश्चन आते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह से, या प्रोग्रामिंग भाषा से कभी कभी क्वेश्चन दे दिया कि प्रोलॉग भाषा का किस वर्ष आना हुआ 1973 में। कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा इंटरनेट से क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं 1-2 बार। इसके अलावा कंप्यूटर का जो विविध है और कंप्यूटर की जो शब्दावलियां हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। सरकारी स्तर पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चालू किया गया है, MCA मिशन फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन, वहाँ से अप्लाइड चीज़ों को जोड़ करके प्रश्न पूछा जा सकता है। हम प्रयास करेंगे परीक्षा मंथन में भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें कंप्यूटर से संबंधित हैं उनको हम लोग इम्पोर्टेंट लगाएँ, और जो खेलकूद का अतिरिक्तांक है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको MCQ के माध्यम से करेंगे। पहले जरा टॉपिक को कवर कर लें। तो सिद्धार्थ भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर है, दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा जो चीज़ें पूछी जाती है, विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है, वो जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो है क्रेकिस। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर वो होता है जो 10^85 मेगा, मतलब लगभग मान के चलिए 10^85 फ्लॉप्स के आसपास की गणना करने की क्षमता रखता है, वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। और एक बार MPPSC ने पूछा था कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, विजय पांडुरंग भाटकर। और ये उस समय पूछा गया था, इनको जो है पद्मश्री से भारत सरकार ने नवाजा था। तो भारत में जो है ये सुपर कंप्यूटर के जनक है। और ये क्रेकिस जो है वर्ल्ड का पहला जो है भाई, ये पहला वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा एक चीज़ कभी कभी पूछ लेता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में इस शब्द को किसने दिया, ये कई बार पूछा गया है। ये टीम बर्नर्स ली के द्वारा दिया गया शब्द है। टीम बर्नर्स ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब इस शब्द को दिया है।
और भी तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। एक डाटा क्वेज नाम की मैगजीन आती है, डाटा क्वेस्ट, ये 1982 से आ रही है, एक कंप्यूटर पे छपने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन है डाटा क्वेस्ट, इसे दिमाग में रखेंगे। ऑल्टेयर 8800, ये भी याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्टेयर ALTAR, ऑल्टेयर 8800, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो कंप्यूटर है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर इसको कहा जाता है। और कंप्यूटर की जो चिप है वो सिलिकॉन से बनी होती है, ये भी MPPSC ने 2-3 बार पूछा हुआ है। हम पहले थोड़ा बेसिक चीज़ों पे जा रहे हैं कि भाई क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। एक आध पूछ सकता है कि भारत का वो कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसने अपनी पहली कंप्यूटर वेबसाइट बनाई है, तो भारतीय जनता पार्टी है जिस राजनीतिक दल ने इंटरनेट पर अपनी पहली वेबसाइट बनाई और 10 करोड़ के आसपास लोग उस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। तो मैं कुछ बातें यहाँ पर लिखवा रहा हूँ पॉइंट वाइज, जो लास्ट ईयर में पूछा है थोड़ा लिख लें जरा। कंप्यूटर में जो प्रसिद्ध कंपनी IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग कंपनी, तो उसके बारे में पूछा हुआ, कंप्यूटर के जनक पूछे हुए हैं। और इसके अलावा एक Cray-1 करके है, कंप्यूटर में खोजा गया पहला वायरस है, Cray-1 नीचे लिख ले स्टार बना के, भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस है ब्रेन, अभी हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ये तो मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो मध्य प्रदेश PSC ने अपने पिछली परीक्षाओं में पूछे हैं, अभी हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को। और मैंने भी एक शब्द का यूज़ किया था यहाँ पे, फ्लॉप्स, इसका भी ज़रा फुल फॉर्म लिख लीजिए, ये भी 1-2 बार फुल फॉर्म पूछा हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये दिमाग में रखिएगा, ये सुपर कंप्यूटर की गति को मापने के लिए यूनिट है, सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है उसको मापने के लिए प्रयोग की गई एक यूनिट का नाम है, सुपर कंप्यूटर को मापने के लिए। फ्लॉप्स पूछ सकता है, फ्लॉप्स का मतलब क्या है। हम एक काम करते हैं, इसमें कुछ हम लोग काम की बातों को देखते हैं, जैसे सोशल साइट्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोशल साइट्स, आप हेडिंग डाल दीजिए सोशल साइट्स और इसको लगाइए आप IMP, सोशल साइट से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि भाई यूट्यूब के बारे में पूछा जा सकता है 2-3 बातें यूट्यूब के, भाई ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, इसमें हम वीडियो शेयर वगैरह करते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका यूएसए में कैलिफोर्निया में, वीडियो को अपलोड करने का हम काम करते हैं। 2005 में इसको चड हर्ली 2005 में यूट्यूब का आविष्कार चड हर्ली, स्टीव चान और इम्पोर्टेंट तीसरे एक नाम याद रखेंगे, जावेद करीम ने किया। हो सकता है ये पूछ ले कि यूट्यूब की शुरुआत कब से मानी जाती है, 2 संज्ञा इसको दी जाती है, एक प्रकार का SMS ऑफ इंटरनेट है। आजकल बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ट्वीट करते हैं और ये SMS ऑफ इंटरनेट के माध्यम से जाना जाता है, एक प्रकार की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, एक प्रकार की इम्पोर्टेंट है। और इसके अंतर्गत 140 अक्षरों के संदेश लिख सकते हैं, अभी ये बढ़ गए हैं, अभी 280 हो गए ना, अभी 140 लिखे जा सकते थे 2019 से, अब लगभग हम मान के चलिए कि 280 शब्दों को भी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो यूज़र होता है उसको ऑथर कहा जाता है, ऑथर। हो सकता है पूछा जाए कि ट्विटर में यूज़ करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऑथर कहा जाता है उसको। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्विटर के माध्यम से लोग अभी अपने यूजर्स के लिए, अभी हाल ही में ट्विटर ने एक नया while you are away नाम का एक नया फीचर जोड़ा है। और ये जो while you are away है, इस फीचर से यूजर्स आखिरी लॉगिन के बाद आए ट्वीट्स की जानकारी दे सकते हैं लोगों को और उस पोस्ट को पढ़ने का मौका भी देगा जो उस अवधि में खास रहे होंगे, जो पर्टिकुलर जिस व्यक्ति ने यूजर्स ने उस ट्वीट को नहीं पढ़ा होगा। तो ये पूछा जा सकता है while you are away संबंधित है, तो ये वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ये ट्विटर से संबंधित है और इसमें जो इम्पोर्टेंट वांछित ट्वीट्स हैं उनको व्यक्ति पढ़ सकता है
जिनको कि उसके द्वारा नहीं पढ़ा गया है, इम्पोर्टेंट बात है। अब आपका सबसे फेवरेट जो फेसबुक है ना, जो जीवन का मौलिक अधिकार भी है आपका आज के डेट में, तो उसके पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, फेसबुक है ना। अब फेसबुक जो है ये बेसिकली 4 फरवरी 2004 को मार्क जुगरबर्ग के द्वारा लाया गया। उनके चार मित्र भी थे, एक एडियार्डो सवेरिन थे, एडियार्डियो सवोरिन एक मित्र थे इनके जुगरबर्ग के अलावा। मार्क जुगरबर्ग जो हैं, मार्क जुगरबर्ग तो थे जिन्होंने इसको लाया था, मार्क जुगरबर्ग, लेकिन उसके अलावा इनके मित्र थे एक एडुआर्डो सवेरिन, दूसरे थे एंड्रू मैक्यूमल, और इसके अलावा एक थे इनके परम मित्र मोस्का पिट्स, और एक थे इनके किस ह्यू। ये चार लोग थे जिन्होंने इनका सहयोग किया था, और लगभग कैलिफोर्निया के मैनलो पार्क है, कैलिफोर्निया में एक पार्क है मैनलो पार्क, मोदी जी लास्ट टाइम गए भी थे यहाँ पर, मैनलो पार्क कैलिफोर्निया में, हो सकता है किसी का हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे, ये कैलिफोर्निया है, ये यूएस में है। अगर आप कभी यूएस का मैप अपने ध्यान से देखा हो तो ऊपर ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये आपके जो है ये मैक्सिको है, यहाँ पर आपके आपके सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पर लॉस एंजलिस है, यहाँ पर न्यूयॉर्क है, यहाँ पर वॉशिंगटन है, और ये यहाँ पर कैलिफोर्निया है जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, और अभी ये टेक्सास है जहाँ मोदी जी गए थे, ह्यूस्टन है ना। तो ये पूछ सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि 140 करोड़ एक्टिव यूज़र है इसमें, 140 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं, और 2010 में इसने अपना जो है पहली बार आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर भी लाया, और हाल ही में फेसबुक के द्वारा 2011-12 में व्हाट्सएप का भी अधिग्रहण कर लिया गया है, व्हाट्सएप को भी जो है इन्होंने अपने में मिला लिया है। तो एक बहुत बड़ा टर्नओवर है, बड़ा साम्राज्य है फेसबुक का, और फेसबुक से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसने क्या लाया था, कब लाया था, और इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आजकल लाइट एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से 2G नेटवर्क वाले फ़ोन में भी जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप जो है, यहाँ पर एक शब्द का जिक्र हुआ व्हाट्सअप भी जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी आप सब परिचित हैं शब्द से। 2010 में जो है व्हाट्सअप का कॉन्सेप्ट आया, इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और फेसबुक ने इसको अधिग्रहण कर लिया। इसको लाने वाले व्यक्ति हैं जेनकॉम एंड ब्रेन एक्शन, ये दो लोगों ने इसको लाया था, और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया 11-12 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। और इसके अलावा एक और चर्चित शब्द है जो आप सुनते रहते हैं सोशल नेटवर्किंग में, इंस्टाग्राम, ये भी 2010 में आया था, पूछ सकता है जोड़ी बनाने में। और इंस्टाग्राम जो इसको लाया था केविन स्विस्ट्रोम और माइक क्रीजर। उम्मीद आप बिल्कुल ना करें कि ये पूछ लेगा, अनिश्चितताओं में निश्चितता खोजें, जोड़ी बनाने में दे देगा चारों, किसने किसकी खोज की है ना। तो इंस्टाग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट है। मैंने करीब 12 से 13 टॉपिक छाटे हैं जो कंप्यूटर में पढ़ लेने चाहिए, जिससे 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे रहेंगे जो संभवतः किसी से भी ना बने, पीएससी का पुराना ट्रेंड रहा है, 2-3 क्वेश्चन वो टॉपिकों में ऐसे डालता रहा है जो किसी से भी ना बने, बट मैक्सिमम हमें पुटअप करने का प्रयास करना, सरल चीज़ों को गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे चारों बातें हमने YouTube, Twitter, Facebook, Insta और इनकी चीज़ों की करी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात कुछ ई कॉमर्स कंपनियों की कर लेते हैं, कुछ ई कॉमर्स कंपनियाँ जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करती हैं, और भारत में लगातार ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस का मार्केट बढ़ रहा है। अभी व्यापारियों के द्वारा विरोध भी किया गया था इस प्रकार की कंपनियों के खिलाफ, जैसे एक बड़ी फेमस कंपनी है अमेजन, ये 94 में आई थी भारत में, इसकी एंट्री हुई थी, ये बना भी उसी समय था। इसके अलावा एक है फ्लिपकार्ट जो है 2007 में आई थी, ऑनलाइन कंपनी ई कॉमर्स की। पेटीएम जो विजय शेखर शर्मा के ऑनलाइन पॉकेट से लड़ा हुआ है। इसके अलावा आपके स्नैपडील है जो 2010 में आई थी। इसके अलावा एक ऑक्सीजन वॉलेट है जो प्रमोद सक्सेना का 2004 में आया था। ऑक्सीजन वॉलेट ये भी एक प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट का जोन है, जहाँ से आप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीज़ों को ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं।
और ये तमाम चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं निश्चित तौर पर यहाँ से, और मुझे लगता है कि बहुत बारीकी के साथ इन चीज़ों को यहाँ देख लेना चाहिए और निश्चित तौर पर ये चीज़ें पूछी जाती रही हैं। सोशल नेटवर्किंग से हम उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन इस बार बनेगा। दूसरा टॉपिक हेडिंग डालिए, मैंने शुरुआत में जो कुछ बातें बताई वो लास्ट ईयर बेसिक्स आए हुए क्वेश्चन है। अब दूसरे टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं, सर्च इंजन। सर्च इंजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग कुछ अप्लाइड चीज़ों पर भी बात करेंगे, कंप्यूटर से जो अप्लाइड चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सर्च इंजन से क्वेश्चन पूछा था, एक MPPSC ने क्वेश्चन पूछा था 2017 के एग्ज़ाम में, 16-17 के एग्ज़ाम में, डकडक गो क्या है। डकडक गो, तो डकडक गो एक प्रकार का सर्च इंजन है और ये 1 सितंबर 2008 को बना था और इसको बनाने वाले व्यक्ति थे गैम्ब्रियल बैनबर्ग। गैम्ब्रियल इनका पूरा नाम था गैम्ब्रियल बैनबर्ग। जब तक 12 जनवरी 2020 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर नहीं हो जाता, आप प्रिलिम्स पर ही अपना 100% दें, मुख्य परीक्षा पे अभी बिल्कुल ना सोचें। हम हालांकि आने वाले 1-2 सप्ताह में मेंस के हिसाब से पेपर 3 में इकोनॉमी 7.1 से 7.17 और साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी और एनर्जी यहाँ पर काम करना चालू कर चुके होंगे, जनवरी तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी में हम लोग पॉलिटी और नेशनल इशू, हेल्थ, वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, HRD एजुकेशन, इस पर भी हमारा काम लगभग हो चुका होगा। और मार्च के आसपास प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के पहले पहले हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी लगभग 900 नंबर की रणनीति पर हम काम कर चुके होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अपनी ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से। फिर हम लोग पेपर 4 इथिक्स, पेपर 5 हिंदी और पेपर 6 निबंध पर चर्चा जारी रखेंगे अप्रैल मई में और 1400 नंबर की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बट अभी जो हमारा फोकस होना चाहिए वो टोटल एग्ज़ाम पर होना चाहिए। 12 जनवरी का एग्ज़ाम निकालने के लिए एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा और एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि आप स्पोर्ट्स पढ़े हैं, अब आप अतिरिक्तांक से पूरा एक बार पढ़िए, बाद में MCQ हम करवाएंगे क्लास में, उसको आप पूरा करिए, फिर हमारे 3 FLT दीजिए। कंप्यूटर में भी ये टेक्नोलॉजी अपनाइए आप। जिस तरीके से मैं कल भी बोला था कि स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, करेंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, MPGK और GK विविध और एक्ट, ये ऊपर के टॉपिक ही आपको करीब 50 से 65 के बीच में रख देंगे। मैं तो कहता हूँ 60 के ऊपर रख देंगे। 20 के आसपास MP आएगा, एक्ट 10 आएगा, GK विविध 8 से 9 आएगा, करेंट 7 से 8 आएगा, कंप्यूटर 7 से 8 आएगा, स्पोर्ट्स गिरी से गिरी हालत में 5 से 6 आएगा। तो लगभग 55 से 60 क्वेश्चन यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। बाकी के हम ट्रेडिशनल GS पे चर्चा करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसमें भी हम काम के 5-5 घंटे के मैराथन नॉन स्टॉप वीडियोज़ बना देंगे और उनको आप 2-3 बार सुन लेंगे और देख लेंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट तरीके से। तो ये डकडक गो के बारे में मैंने बताया, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजनों की लिस्ट बहुत बड़ी है। जैसे एक आपने सर्च इंजन का नाम सुना होगा गूगल, बहुत फेमस सर्च इंजन है और गूगल जो है 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था और गूगल जो 1998 में आया था इम्पोर्टेंट सर्च इंजन है और पूछा जा सकता है, इसका प्रयोग सर्च इंजन के तौर पर गूगल का होता है। कोई भी चीज़ आपको देखनी हो तो गूगल पे आप सर्च करते हैं, गूगल बुक्स आ गई हैं, गूगल सर्च प्ले आ गए हैं, गूगल टॉलेंटर आ गए हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें गूगल को लेकर चल रही हैं। इसके अलावा एक अल्टा विस्टा करके भी एक सर्च इंजन होता है, अल्टा विस्टा, ये भी इम्पोर्टेंट, गूगल की तरह एक वेब सर्च इंजन है, याहू के द्वारा जो है इसमें सेवाएं दी जाती हैं। अल्टा विस्टा कभी कभी नाम ही पूछता है इनका। इसके अलावा एक बिंग करके भी है, बिंग करके भी एक सर्च इंजन। इसके अलावा याहू खुद एक सर्च इंजन है, हालांकि याहू जो है अल्टा विस्टा की सेवाओं को देता है। इसके अलावा जो है वो है आपका ask.com, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा AOL, ये भी इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं लेकिन हमें सिर्फ काम के पढ़ने हैं। इसके अलावा एक एक्साइट करके होता है, वो भी सर्च इंजन है, एक्साइट। इसके अलावा डकडक गो मैंने आपको बताया, वॉल्व फ्रेम अभी चर्चा में ही है, वॉल फ्रेम ये इम्पोर्टेंट है, इसको IMP लगा दें, वॉल्व फ्रेम। इसके अलावा साइरस, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक होता है अल्फा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको अभी रिसेंटली वाला एक बताया था जो परीक्षा में पूछा भी गया है, डकडक गो। तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अभी गूगल वालों ने आसमान पर गुब्बारे ले आकर के ग्रामीण अंचलों में इंटरनेट सुविधाओं को देने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया, प्रोजेक्ट लून,
और ये प्रोजेक्ट लोन चर्चा में रहा, भारत सरकार ने टाई अप किया इस पर, तो ये भी पूछ सकता है करंट से जोड़ के प्रोजेक्ट लोन क्या है। प्रोजेक्ट लोन गूगल की एक मुहिम है इंटरनेट सुविधाओं को ग्रास रूट लेवल पर ले आने के लिए, और निश्चित तौर पर भारत की जो टेली डेंसिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास है। 2001 में करीब भारत में 18% लोग मोबाइल प्रयोग करते थे, 2006 में इनकी संख्या बढ़कर एकदम से 45 हो गई, 2015 आते हुए 76% लोग मोबाइल यूज़ करने लगे, और आज देश के अंदर टेली डेंसिटी का जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़कर लगभग 96% हो गया है। इसमें सबका महत्वपूर्ण योगदान है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति एक लगाव लोगों का रहा है, और आज का व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं आईटी से बिल्कुल जुड़ा है, डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है, चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और आज सब चीज़ों को जान रहा है व्यक्ति, सब चीज़ों के बारे में वो समझ रख रहा है। तो ये सूचना क्रांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रोजेक्ट लून से क्वेश्चन सर्च इंजन के तहत आ सकता है, एक यहाँ पर आप प्रश्न बना लीजिए। और मैं आपको बता दूँ और भी कुछ सर्च इंजन है जो अभी चर्चा रहे हैं, वेवॉलिडी एक चर्चा में है, वेवॉलिडी एक सर्च इंजन है, ओपेरा एक सर्च इंजन है, ओपेरा, इसके अलावा जो मोजिला फायरफॉक्स जो है ये भी एक बड़ा फेमस सर्च इंजन है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सर्च इंजन है, और निस्संदेह यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अल्टा विस्टा क्या है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल कब स्थापित हुआ पूछा गया, 98 में स्थापित हुआ। इसी तरीके से पूछ सकता है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो बिंग है, जहाँ पे आपने बिंग लिखा था आपने वहाँ कोष्टक में माइक्रोसॉफ्ट लिख लो, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और नीचे एक लाइन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका ये है, किसी सर्च इंजन की सहायता से कोई भी वाक्यांश को खोजने का एक सही तरीका यह है कि हम जो भी उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश को लिख दें, जो भी उद्धरण चिन्ह है वहाँ पर उसमें हम वाक्यांश जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लें, आपको मानक तरीके से वो चीज़ सर्च हो जाएगी, उस लाइन में आप जो लिखेंगे वो चीज़ वहाँ आ जाएगी। वैज्ञानिक सूचना के लिए कौन सा सर्च इंजन जाना जाता है, आपको मैंने अभी एक साइरस का नाम बताया था, साइरस ये वैज्ञानिक सूचना के लिए जाना जाता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा ले भाई, वैज्ञानिक सूचना के लिए किस सर्च इंजन को जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2006 में, वैज्ञानिक सूचना के लिए किस सर्च इंजन को जाना जाता है। हम बिल्कुल आपको इतने क्वेश्चन करा देंगे भाई कंप्यूटर में कि हमारे लेक्चर जो 3 घंटे का हो रहा है यहाँ से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी मेहनत आप परीक्षा मंथन और एमसीक्यू और हमारी टेस्ट सीरीज से करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में 90 से 95% गेन कर लेंगे, 5% अनिश्चितताओं का खेल रखेंगे आप, कुछ चीज़ें विवेक तर्क बुद्धि के साथ भी पेपर हॉल में करनी होती है, सारा रट कर आप नहीं जा सकते एग्जाम हॉल में, कुछ चीज़ों को आपको विवेक तर्क और बुद्धि से भी करना होता है। तो साइरस जो है एक प्रकार का इम्पोर्टेंट होता है कि वैज्ञानिक सर्च इंजन है, इसके अलावा कुछ वेब ब्राउजर पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे वेब ब्राउजर। पहली बात तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं, अंडरलाइन लिखेंगे वेब ब्राउजर क्या होते हैं। अरे पिछली बार ब्लैक हेट हैकर्स, वाइट हेट हैकर्स जैसी भी चीज़ें 14 के पेपर में पूछी गई हैं, वो पूरे हैकर्स पे मैं अलग से बताऊंगा, है ना, हैकिंग, चैटिंग और किस तरीके से चीज़ों को हाईजेक किया जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है, यहाँ से भी कुछ व्यवहारिक चीज़ें बन सकती हैं, तो आप संदर्भित होकर पढ़ें। अब वेब ब्राउज़र क्या है थोड़ा समझ लें पहले। वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, और वेब ब्राउज़र जो यूज़र और इंटरनेट के बीच में एक इंटरफेरा का कार्य करता है, जो यूज़र होता है यूज़ करने वाला व्यक्ति और जो इंटरनेट होता है, ये दोनों के बीच में एक इंटरफेयर का तौर पे ये काम करता है, और बहुत सारे सर्च इंजन जो है वो वेब ब्राउज़र के तौर पे भी काम करते हैं, जैसे ओपेरा भी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा जो साइरस जो मैंने आपको बताया था वैज्ञानिक खोज के लिए काम आता है, वो भी एक वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा जो बिंग है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो 1975 में बनी थी, जिसके प्रमुख आजकल सत्या नडेला हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और अभी बताया कि विवाल्डी जो है वो भी एक वेब ब्राउज़र है, हालांकि ये सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र दोनों के तौर पर काम करता है, परंतु मुख्यतः ये वेब ब्राउज़र है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वेब ब्राउज़र क्या है।
तो वेब ब्राउज़र में आप दिमाग में रख लीजिए, ओपेरा है ना। इसके अलावा जो आपके मोजिला फायरफॉक्स वो भी है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी आपका कहीं ना कहीं सर्च इंजन प्लस वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र से भी प्रश्न बन सकते हैं, ये आपको मैंने बताया। और सर्च इंजन टॉपिक बहुत अच्छे से रखेंगे। इसके बाद हम एक और टॉपिक देखेंगे, पहले मैं छोटे टॉपिक देख लूँ जहाँ से क्वेश्चनों की संभावना बनती है। एंटीवायरस हेडिंग डालेंगे, एंटीवायरस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एंटीवायरस ये सिर्फ प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड क्लास है ना, मेंस के बैच में हम लोग एनालिसिस करेंगे और मेंस के बैच में हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बायलैंग्वल बोलेंगे। प्रिलिमिनरी में उतना महत्व नहीं है, चीज़ें जो हैं सटीक तरीके से सार गर्भित हो और डायरेक्ट आपको समझ में आए, डाटा आप याद रखें, कंसेप्ट डिलीवरी पे काम करें। और मेंस जो होता है वहाँ पे हम राइटिंग स्किल्स और तमाम चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। अभी समय प्रिलिम्स का है तो प्रिलिम्स ओरिएंटेड बातें होंगी। अब हम लोग कुछ एंटीवायरस पे चर्चा करते हैं। पहली बात तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखता है, एक प्रकार का ये यूटिलिटी वायरस है। और ये यूटिलिटी वायरस है कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का काम करता है। बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, कुछ के अपन नाम लिखते हैं, जैसे नॉटॉन है, नॉटॉन NORTON नॉटॉन है, ये एंटीवायरस है। इसके अलावा MCAFEE हाँ, ये भी एक एंटीवायरस है। इसके अलावा एक क्विक हील ये एंटीवायरस है। इसके अलावा एवेस्ट ये एंटीवायरस है। इसके अलावा इवीरा ये एंटीवायरस है। इसके अलावा NPAV फेमस है, ये नेट प्रोटो प्रोटेक्टर एंटीवायरस फेमस है, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। इसके अलावा एक है आपके ट्रेंड माइक्रो ये भी एंटीवायरस है। इसके अलावा एक जो है एंटीवायरस है वो ई सेट करके है। इसके अलावा जो है एक एंटीवायरस जो है वो FCQs करके है, इसको IMP लगाएंगे FCQs। इसके अलावा सिमनेट, इसके अलावा जो है चार पांच वायरस और हैं उनको भी हम देखते हैं। एक सिमेंटेक करके एक है, वो भी एक एंटीवायरस है। इसके अलावा AVG है। इसके अलावा बिट डिफेंडर, इसको मोस्ट टाइम पे लगाएंगे, बिट डिफेंडर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बिट डिफेंडर है। इसके अलावा पांडा है, पांडा ये भी एंटीवायरस है, पांडा। और वायरस, बेसिकली वायरस का मतलब होता है वीटल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर वायरस का फुल फॉर्म लिख लीजिए, वीटल इंफॉर्मेशन अंडर सिज। हो सकता है वायरस का फुल फॉर्म ही पूछ ले भैया, है ना। और भारत का जो पहला वायरस था वो ब्रेन था भाई, भारत का पहला वायरस जो था वो ब्रेन था, 1986 में आया था। दे देगा, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस नहीं है, नॉर्टन, मैकएफी, ट्रोजन, किक हिल, तो कौन नहीं है भैया? ट्रोजन नहीं है, किक हिल नहीं है, ट्रोजन नहीं है, किक हिल लेके यहाँ लिख लो, किक हिल तो है ना, ये किक हिल है, नॉटन है, एमकिफ है, ये देखो नॉटन है, मैकएफी है और आपके किक हिल भी है, ट्रोजन नहीं है भैया, ट्रोजन नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ट्रोजन को बाहर कर दो। इसी तरीके से पूछ सकता है कि जो है फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल सेफ्टी के लिए होता है। एक चीज लिखेंगे फिशिंग अंडरलाइन करेंगे करके लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरे यूज़र द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूज़र की गुप्त इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना, स्पैम भी बोलते हैं इसको, गलत गलत जानकारियां देना, गलत गलत बातें करना, है ना, स्पैम पे भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे स्पैम। ये शब्दावली कैसे संबंधित है ये भी पूछा हुआ है, स्पैम, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, स्पैम दिमाग में रखिएगा आप, स्पैम। एंटीवायरस टॉपिक से निश्चित तौर पर प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा हमारी संभावनाओं के दायरे में
बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसी कड़ी में हम अपने कंप्यूटर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, हमने आपको अभी तक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बात करी, सर्च इंजन पे बात करी, एंटीवायरस पे बात करी, तीन टॉपिक हमने करा दिए। लगभग ऐसे हमें 12 टॉपिक और कराने हैं। 15 टॉपिक के दायरे को आप बिल्कुल दिमाग में एकाग्रता और गंभीरता के साथ पढ़ लीजिए और ईमानदार रहिए अपने विषय के प्रति, पढ़ाई के प्रति गंभीरता रखिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। किसी भी पोर्शन को हल्के में या कमज़ोर ना लें। किसी भी प्रश्न की, किसी भी टॉपिक की भूमिका बदल सकती है परीक्षा में। एक छोटा सा प्रश्न आपको परीक्षा से बाहर कर सकता है, है ना। कल हमने मैराथन का एग्जांपल दिया था कि मैराथन के क्वेश्चन के ऑप्शनों ने कई लोगों को पीएससी के मैराथन से बाहर कर दिया, तो थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं मॉलवेयर प्रोग्राम के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक मॉलवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, मॉलवेयर प्रोग्राम के बारे में। मॉलवेयर प्रोग्राम कई बार ये पूछ लेता है मॉलवेयर प्रोग्राम का संबंध कैसे है, कंप्यूटर से है मॉलवेयर प्रोग्राम का संबंध। और मॉलवेयर प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मॉलवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत चार चीज़ें आती हैं जिनको हमको संक्षिप्ततः पढ़ना है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी। पहला इसमें वायरस आता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। मॉलवेयर प्रोग्राम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिनका काम कंप्यूटर को हानि पहुंचाना होता है। ये दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, इसका काम ही है लोगों को हानि पहुंचाना। दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है और ये दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर, इसका काम ही है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। और ये मॉलवेयर प्रोग्राम में एक तो वायरस आता है, वायरस के अपन प्रकार देख लेंगे, अभी अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी। इसके अलावा वॉर्म आते हैं इसमें। तीसरी चीज़ इसमें ट्रोजन आते हैं। ट्रोजन जो भी ऑप्शन में था आपका, आपने देखा होगा ट्रोजन था एक। अरे अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे एंटीवायरस, उसमें ट्रोजन था, तो ट्रोजन मॉलवेयर प्रोग्राम है। इसके अलावा स्पाईवेयर, ये चार चीज़ें आती हैं। तो हमें चारों के बारे में दो दो लाइन लिखेंगे, ठीक है क्या। ये मॉलवेयर प्रोग्राम हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ पहले हम जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको देख लें, फिर हम कंप्यूटर से संबंधित जो अपडेट और अपग्रेडेड है उनको देखें। मैं करेंट अफेयर्स जब पढ़ाऊंगा ना, तो करेंट अफेयर्स की क्लास में मैं जितना स्पोर्ट्स का करेंट पिछले 12 महीने का बन सकता है, उसको मंथली मैं व्यक्तित्व और प्रतिस्पर्धाओं के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हुए एमसीक्यू के लेवल पे लूंगा। उसी तरीके से मैं कंप्यूटर का अपडेट भी वहाँ ले लूँगा। उसी तरीके से मैं इन्वायरमेंट का अपडेट, एमपी का अपडेट, जीके विविध का अपडेट, एक्ट में हो रहे संशोधन और प्राइज इवेंट सबमिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशन और विभिन्न ट्रेडिशनल जीएस टॉपिक के भी करेंट अफेयर्स को वहाँ बेसिक कोर अप्लाइड करेंट कंटेम्प्रेरी से जोड़कर ले लूँगा। पहले जो 60% चीज़ें हैं वो ट्रेडिशनल ही आती हैं, आप उनको थोड़ा मजबूत रखिए, है ना। यही गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए अपन इसको पीछे से पॉइंट वाइज लिखते हैं। मॉलवेयर प्रोग्राम मैंने बताई दिया, मॉलवेयर प्रोग्राम के लक्षण क्या है। स्पाईवेयर एक मॉलवेयर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड होता है। लिखेंगे स्पाईवेयर एक मॉलवेयर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड होता है और यूज़र की सभी गतिविधियों पर यह नज़र रखता है इसका प्रयोग कानूनी उद्देश्य के लिए किया जाता है। एक दो हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देंगे, जैसे कूलवेड ईयर आप लिखेंगे यहाँ पे एक स्टार बना के, दो तीन इस प्रोग्राम है इसमें। कूलवेड नाम का स्पाईवेयर होता है। कूलवेड AEARNH ये पूरा नाम है इसका। कूलवेड भी आप याद रखेंगे तो उससे काम हो जाए आपका। जेंगो ये स्पाईवेयर है, जेंगो। और इसके अलावा एक और होता है ज्लोब ट्रोजन। तो ये स्पाईवेयर, ये मालवेयर प्रोग्राम है। और मालवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर की दक्षता को कम कर देता है, कंप्यूटर की मेमोरी को नष्ट कर देता है, हाँ, और बूट टाइम होता है उसको बढ़ा देता है। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क को प्रभावित करता है, यूज़र के काम पे निगरानी रखता है, दुनिया के जितने गलत काम है वो यही करता है। सिस्टम धीमा हो जाता है, फाइलें गुम हो जाती हैं, कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट होता है, कुल मिला के कंप्यूटर की बिल्कुल ये कहानी बिगाड़ देता है स्पाईवेयर। अब आ जाते हैं आपके ट्रोजन पे। ये एक सॉफ्टवेयर है, मॉलवेयर सॉफ्टवेयर है, ये एक मॉलवेयर सॉफ्टवेयर है। और ये
जो ये भी यूपीएससी एमपीपीएससी में इस तरीके के करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये जो ट्रोजन है, ट्रोजन हॉर्स जो मॉलवेयर है ये अपनी नकल नहीं करता, ये क्वेश्चन याद रखना, ये जो मॉलवेयर प्रोग्राम है अपनी नकल नहीं करता, कभी भी अपनी नकल नहीं करता, अपनी नकल नहीं करता। और ये एक ऐसा वायरस है जो अपने आप दूसरे कंप्यूटर से जुड़ जाता है, एक ऐसा वायरस है जो अपने आप कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, अपने आप कनेक्टिविटी से जुड़ जाता है। इसमें नेटवर्किंग लेवल पर चीज़ों को बिगाड़ने की आदत है, और ये जो है एक इस तरीके का प्रोग्राम है। नीचे क्वेश्चन लिख लें कि स्टार बना के क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा मेल्सियस प्रोग्राम अपनी नकल नहीं करता, इसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। 2015 की प्री में क्वेश्चन था, ये पेपर उठा के देखेंगे, ट्रोजन हॉर्स ये अपनी नकल नहीं करता है, ट्रोजन हॉर्स से क्वेश्चन था 2015 में, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स ये मालवेयर प्रोग्राम है, अपनी नकल नहीं करता भाई। इसके बाद हम बात करेंगे वॉर्म की, वायरस में बता चुका हूँ, कुछ दो चार लिखवाऊंगा। वॉर्म एक अकेला मालवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप की कॉपी दूसरे कंप्यूटरों में फैलाता है, मतलब अपनी कॉपी को दूसरे कंप्यूटर में फैलाता है और कंप्यूटर नेटवर्क में बैड बिट्स को भी पहुँचाता है। एक कंप्यूटर की कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में पहुँचाने का काम ये करता है, इसको वॉर्म कहते हैं। वॉर्म के बारे में यहाँ लिखेंगे आप, स्टार बना के वॉर्म के बारे में लिखेंगे। यह एक ऐसा मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, स्वयं की कॉपियां बनाता है, इसका नाम है वॉर्म। और ये कुछ एग्जांपल वॉर्म के मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, आपसे शेयर कर लेता हूँ। जैसे एक बेगल नाम का है, बेगल ये वॉर्म है, एक प्रकार का बेगल। इसके अलावा एक है मॉरिस, इसके अलावा एक निम्डा, और एक आई लव यू नाम का भी वॉर्म है, आई लव यू, ये भी वॉर्म है, आई लव यू। तो मालवेयर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, इसको रट लीजिए भैया, है ना। कौन अपनी नकल नहीं करता है? ट्रोजन हॉर्स। कौन अपनी प्रतियों को दूसरे कंप्यूटर में पहुंचा देता है फ्री पॉकेट में? वार्म। वार्म के पैटर्न बता दिए, स्पाईवेयर बता दिया, मालवेयर प्रोग्राम बता दिया, गड़बड़ी करता है, कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है, कंप्यूटर की क्षमता को कम कर देता है, और भी जो भी चीजें आप समझना और लिखना चाहें। हमारा ये जो अभियान है, आज 24 नवंबर है, अगले 6 दिन में हमारा प्रयास है स्पोर्ट्स कंप्यूटर करेंट इन्वायरमेंट एमपी जीके विविध और एक्ट को हम खत्म कर ले, और 1 दिसंबर से इनके MCQ लगेंगे, और 1 दिसंबर से 5, 10, 15, 20, 25 और ये पूरे पांचों को एक एक दिन 30, 31 दिसंबर को कोर्स खत्म करके आपको 1 से 10 जनवरी सेल्फ स्टडी देके 11 को रेस्ट करिए और 12 को शांत और गहराई के साथ चिंतन मनन करके अच्छे मन के साथ 12 का पेपर दीजिए। बढ़िया पढ़िए, काम का पढ़िए, क्यों नहीं होगा भाई सिलेक्शन? जब आप काम सही दिशा में करेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी क्यों, है ना। और कहीं कोई टेस्ट सीरीज हो रही है तो उसके भी मजे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उपलब्ध करा देंगे आपको। पढ़ तो लीजिए, टेस्ट देने का भी मतलब तब है जब आप पढ़े हो, कुछ पढ़े हो तो टेस्ट मिले, समझिए तो पढ़ना क्या है। लोगों ने तो हाथ डाल दिए, 15 लोगों की 20 लोगों की टीम जो पढ़ाती थी उन्होंने हाथ डाल दिए, हम 45 दिन में नहीं करा पाएंगे। कोशिश तो करिए, दुनिया में क्या चीज़ संभव है, आप करने का प्रयास करेंगे तो होगा ना। पहले सोच लेंगे हथियार डाल देंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे, सबके लिए उतना ही समय है, सबको उतने तय समय में ही परीक्षा निकालनी है। ये भी एक चैलेंज है, ये भी परीक्षा पद्धति का एक पैटर्न है कि आप कम समय में कैसे बेहतर करते हैं, इसकी भी जांच हो जाएगी। बिना किसी दबाव लिए, बिना किसी टेंशन लिए, बिना किसी परेशानी के आप परीक्षा को कैसे हैंडल करते हैं, इस क्षमता को भी विकसित कर लीजिए, मौका मिला है आपको। चलिए, हो सकता है ये पूछ ले कि मालवेयर प्रोग्राम में कौन सा मिल नहीं है, वायरस दे दे, वॉर्म दे दे, आपका ट्रोजन हॉर्स दे दे, और स्पाईवेयर की जगह दे दे स्पैम, या कुछ और नया नाम दे दे भाई, वो दे सकता है कि नहीं, या डक डक गो दे दे, तो अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि डक डक गो जो है वो सर्च इंजन है गूगल की तरह, है ना। भारत में तो बोल दिया भैया इसका यूज ही नहीं करने देंगे डक डक गो का, कुछ भी सर्च करो कुछ और ही सर्च हो जाता है। पूरा हिंदुस्तान चली सर्च इंजन से रहा, ये जो 6.87 फिट का 5.5 इंच का मोबाइल है ये आपको मैनेज कर रहा है, आपको बना रहा है, आपके दिमाग को चला रहा है,
मानवीय दृष्टिकोण लोग भूल चुके हैं, वो कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। आज का मानव रोबोट मानव बन गया है, पहले आदि मानव था और अभी का जो मनुष्य है वो रोबोट बन गया है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ ही नहीं पा रहा व्यक्ति की क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, कंप्यूटर को क्यों रखा गया है सिलेबस में। परीक्षक जानना चाहता है स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी क्या है बच्चे की, परीक्षक जानना चाहता है कंप्यूटर के बारे में कितना जानता है, करंट के बारे में कितना जानता है, इन्वायरमेंट के बारे में कितना जानता है, सब कुछ जानता है तो ही सिस्टम में आके कुछ जानकारी रख के काम कर पाएगा, है ना। मास्टरी नहीं रखना चाहता, जनरल स्टडीज़ है, लेकिन नाम का जनरल स्टडीज़ है, प्रश्न विशिष्ट पूछता है, स्पेशल स्टडीज चाहिए, है ना। तो इसलिए आप थोड़ी अपनी सोच को बदलिए भाई, सकारात्मक रखिए, हो जाएगा, होएगा ही, करने ही अपना है। चलिए, वायरस में मैंने आपको बताया बहुत सारे पैटर्न है वायरस के। वायरस का कॉन्सेप्ट 72 में डेविड गेराल्ड्स ने लाया था, ये जरूर लिखेंगे। वायरस का फुल फॉर्म भी बताया था और वायरस को लाया था डेविड गेराल्ड्स ने। डेविड गेराल्ड्स के द्वारा वायरस का कॉन्सेप्ट या वायरस का नामकरण किया गया था। वायरस में बहुत सारे वायरस होते हैं, डायरेक्ट एक्शन वायरस होते हैं, ओवरराइट वायरस होते हैं, बूट सेक्टर वायरस होते हैं, मैक्रो वायरस होते हैं, फाइल सिस्टम वायरस होते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस होते हैं, फेट वायरस होते हैं, रेजिडेंट वायरस होते हैं। मैं कुछ के नाम बताऊंगा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट है पॉलीमॉर्फिक वायरस, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये पूछता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस करके अंडरलाइन करें भाई। और पॉलीमॉर्फिक वायरस में लिखेंगे, जब भी किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बात का इनकोड या एनक्रिप्ट करता है, वायरस ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को तैयार हो जाता है, पूरी तरीके से ये वायरस सिस्टम को बर्बाद कर देता है। ये पॉलीमॉर्फिक वायरस है, बहुत फेमस 1260 पॉलीमॉर्फिक वायरस है। पूछता है 1260 वायरस क्या है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है। इसके अलावा एक ट्यूरेग नाम का भी पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, ट्यूरेग नाम का भी पॉलीमॉर्फिक वायरस है। इसके अलावा एक डिकेम नाम का भी होता है, डिकेम ये भी पॉलीमॉर्फिक वायरस है, डिकेम। कुछ वायरसों के नाम बोल रहा हूं मैं, लिखेंगे हैप्पी बर्थडे जोशी, भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है, हैप्पी बर्थडे जोशी, हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। सी ब्रेन ये भी एक प्रकार का वायरस है, सी ब्रेन एक प्रकार का वायरस है। इसके अलावा मंकी नाम का भी एक वायरस है, मंकी। वन हॉप भी एक वायरस है, वन हॉप ये भी वायरस है। एक क्रीपर नाम का भी वायरस है, क्रीपर नाम का भी वायरस है। वंदे मातरम पाकिस्तान में एक वायरस अभी चर्चा में रहा था, उसका नाम भी लिख लो, 2-3 साल पहले, चंगू मंगू पाकिस्तान का वायरस है। एक लव बग नाम का भी वायरस है। मेलिस्सा जोड़ी बनाने में दे सकता है, मेलिस्सा। और ये 1260 वायरस आपको हमने बताया, ये पॉलीमॉर्फिक वायरस इंपॉर्टेंट है, 1260 पॉलीमॉर्फिक वायरस है, 1260 पॉलीमॉर्फिक वायरस है। ये मॉलवेयर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वायरस की खोज किसने की नाम पूछ सकता है, वायरस का फुल फॉर्म क्या है ना, और भी इस तरीके की संदर्भित चीज़ों को परीक्षा में पूछा जा सकता है भाई। बहुत जल्दी मैं मुख्य परीक्षा के वीडियो भी चालू कर रहा हूँ, भारत में विकास का अनुभव 7.1, 1.5 घंटे के वीडियो में 20, 100 और 300 शब्दों के उत्तरों का समावेश होगा। पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा 1 घंटे, फिर 1 घंटे में उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, 1 घंटे डिस्कशन, 3 घंटे का वीडियो एक टॉपिक। मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिकरण 7.2, इस पर भी इसी तरीके की चर्चा होगी। लगभग 7.1 से 7.17 को हम पूरे 30 से 45 घंटे के वीडियो के माध्यम से देखेंगे और अर्थव्यवस्था को अपना मजबूत करेंगे, प्रयास रहेगा कि आपको याद हो जाए। लेकिन पहले आपका फोकस सिर्फ प्रिलिम्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये बेच ही प्रिलिमिनरी श्योर का है और आज का चर्चा का विषय है कंप्यूटर है, और कंप्यूटर पर मास्टर क्लास है जो 360 डिग्री से हम चला रहे हैं काम की। सर्च इंजन हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, एंटीवायरस हो गए और मालवेयर प्रोग्राम हो गए। चारों टॉपिक को जरा एक बार आप रिवाइज कर। एक क्वेश्चन कंप्यूटर टॉपिक में बहुत इम्पोर्टेंट है, हैकर्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हैकर क्रैकर इम्पोर्टेंट लगाएंगे और ये मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से पूछा जाएगा। पहली बात तो हैकर क्या होता है थोड़ा लिखेंगे। हैकर का वास्तविक अर्थ होता है किसी तंत्र या जो प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए
कोई भी तंत्र है या कोई भी कार्य प्रणाली है, उस तंत्र या कार्य प्रणाली को जानने के लिए उस पर छेड़छाड़ करना, ये पद्धति जो है ये हैकिंग कहलाती है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। और कंप्यूटर की दुनिया में हैकर वह व्यक्ति होता है जो सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में विद्यमान जितनी भी सुरक्षा की खामियां होती हैं उनको पता लगाता है, और वो जो भी नेटवर्क में प्रवेश करके डाटा होता है उसको इनलीगल यूज़ करता है। डाटा का इनलीगल यूज़ करना, नेटवर्क में प्रवेश करना और नेटवर्क में प्रवेश करके जो भी डाटा है उसका इनलीगल यूज़ करना या कहीं ना कहीं अनाधिकृत प्रयोग करना, अनाधिकृत प्रयोग करना, ये चीज़ कहलाती है बेसिकली हैकिंग का शब्दावली है। अब इसमें हैकिंग का मतलब हुआ नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया। नेटवर्क में घुसकर जो भी डाटा है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है उसके साथ छेड़खानी करना, ये प्रक्रिया कहलाती है। प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आया था अगर आपको याद हो तो 2014 में, डेनियल ऑफ सर्विस, इसको आप कृपया अंडरलाइन करें, डेनियल ऑफ सर्विस। ये चीज़ें हैं जो मिलती नहीं है किताबों में, और हमारी क्लास में हम प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे जो महंगी कोचिंगें नहीं कर पाते सुरक्षा के दृष्टिकोण की वजह से, इंदौर भोपाल बड़े शहरों में जाकर पढ़ नहीं पाते हैं, वो भी इसका वीडियो सुनकर रिविज़न वगैरह कर लें, और जो क्लास में आते हैं उनको तो इसका प्रत्यक्षता ज़्यादा लाभ मिलता ही मिलता है। ठीक है, बाकी हम टेस्ट सीरीज़ में भी क्वेश्चन डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस शब्द को थोड़ा ध्यान देंगे, इसको हिंदी में लिखने की आवश्यकता है क्या, डेनियल ऑफ सर्विस, या इसको डिनायल ऑफ ऐसा लिख लो आप, डिनायल ऑफ सर्विस, है ना। हम इसको देखते हैं क्या ये लिखेंगे। हैकिंग के कारण अधिकृत उपयोगकर्ता, हैकिंग के कारण अधिकृत जो ऑथराइज उपयोगकर्ता, जितना भी नेटवर्क और रिसोर्स है, जितना भी नेटवर्क और रिसोर्स है, नेटवर्क और जो उसके पास रिसोर्स है, संसाधन है, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। अब भैया उसके डाटा को, उसके सॉफ्टवेयर को कोई छेड़ देता है तो वो बेचारा अपने ही डाटा का और अपने ही रिसोर्स का सही प्रयोग नहीं कर पाता है, और उसके द्वारा ना प्रयोग किए जाने वाली यह पूरी की पूरी प्रणाली, ये पूरा का पूरा सिस्टम डिनायल ऑफ सर्विस कहलाता है। MPPSC 2014 में क्वेश्चन था, 5 लाइन का एक पैराग्राफ दिया था, उस पैराग्राफ का सारांश यह था कि यूज़र जो नेटवर्क करता है, आप देखिएगा अनसॉल्व में, हम लोग देखेंगे अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, 18, 16, 17, 14, 15, 13, 12, 10, 11, 9, 8 जितने भी क्वेश्चन आए हैं देख लेंगे, आपको देखेंगे यहीं से मिलेंगे। तो डिनायल ऑफ सर्विस को मिला, ट्रोजन हावर्स अलग चीज़ है, वो मालवेयर प्रोग्राम है, और डिनायल ऑफ सर्विस अलग चीज़ है कि इंटरनेट यूज़ करने वाला ही अपने सॉफ्टवेयर का, अपने नेटवर्क का सही प्रयोग नहीं कर पाता है चीज़ों का, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब हम लोग बात करते हैं जो हैकर होता है उसको हम मुख्यतः 3 प्रकार में या 3 भागों में बांट सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से भी 2012 में आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। एक होता है वाइट हेट हैकर, दूसरा होता है ब्लैक हेट हैकर, और हैकर के प्रकार हैं, तीसरा होता है ग्रे हेट हैकर। ये तीनों को अपन थोड़ा समझते हैं और एक एक दो दो लाइन इन पे लिखते हैं, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकिंग क्रैकिंग है ना, इनको जरा पढ़िए अच्छे से, इंटरनेट है ना, यहाँ से प्रश्न आएंगे इस बार, करेंट अफेयर्स से जोड़ करके पूछता है, मंथन में भी आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको कम मात्रा में मिलेंगी। देखिए वाइट हैट हैकर क्या होते हैं, इनको एथिकल हैकर भी कहते हैं, बड़े नैतिक होते हैं ये, एथिकल हैकर होते हैं, थोड़े नैतिकता वाले चोर होते हैं, एथिकल हैकर्स इनको कहते हैं, एथिकल हैकर्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में व्याप्त सुरक्षा की कमियों का पता लगाते हैं और ये बेचारे उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार से किसी भी देश में इस प्रकार के अगर वाइट हैट हैकर हैं तो वो उस देश के लिए एक प्रकार के नेटवर्क चौकीदार का काम करते हैं। अभी भारत सरकार ने डाटा की जानकारी लीक करने को लेकर NK भार्गव कमेटी बनाई थी और डाटा का इंफॉर्मेशन कोई मिसयूज ना करे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आई थी, तो नेटवर्क के चौकीदार के तौर पर ये काम करते हैं। भारत में ऐसे कुछ इथिकल हैकर हैं जैसे एक अंकित फाड़िया है, आपने नाम सुना होगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और इनका संबंध मूलतः मध्य प्रदेश से ही है, ये इथिकल हैकर है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा विवेक रामचंद्रन,
विवेक रामचंद्रन और विवेक रामचंद्रन जो है ये भी एक एथिकल हैकर है। इसके अलावा त्रिशनीत अरोरा, ये भी बहुत फेमस है, त्रिशनीत अरोरा है ना। ये सारे लोग ऐसे हैं भाई, ये लोग इथिकल हैकिंग का काम करते हैं, गलत काम नहीं करते। कोई भी डाटा हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसको मदद करते हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि नेटवर्क की दुनिया में एज ए चौकीदार ये काम करें, और ये इथिकल हैकर्स होते हैं। और ये तीनों के नाम दिमाग में रखिए, अंकित फाड़िया, विवेक रामचंद्रन और त्रिशनीत अरोरा, याद रहेगा आप लोगों, बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि हम लोग अभी आईटी वाले पार्ट में भी देखेंगे तो एप्लीकेशन वाइज देखेंगे। ब्लैक अटैकर ये सॉफ्टवेयर नेटवर्क में नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी हो, उसको चुराकर दुष्प्रयोग करते हैं, देश के नेटवर्क प्रणाली के लिए खतरा माना जाता है इनको। ये जितने भी प्रकार की फाइनेंशियल जानकारी होती है, वित्तीय जानकारी होती है, या जितनी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी होती है, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं, नेटवर्क प्रणाली के लिए खतरा है, है ना। इनके नाम अपने को पता नहीं भाई कौन कौन लोग हैं, ब्लैक हैट हैकर्स बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा एक होते हैं ग्रेट हेट हैकर्स, व्हाइट हेट और ब्लैक हेट हैकर के मिश्रित रूप को जब कोई कंपनी, कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में व्याप्त सुरक्षा कमियों का पता लगाते हैं, बाद में वो फीस मांगते हैं कंपनी से, फीस का भुगतान करने पर खामियों को ठीक करते हैं, भुगतान ना करने की स्थिति में उनको लगता है कि भाई अगले आदमी को अपन नुकसान पहुंचा दें, तो ऐसी स्थिति में जो दोनों का मिक्स होता है भाई, दोनों का मिक्स होता है, मान लीजिए ये वाइट वाला भी होता है, अगर आपको पेमेंट मिल गया तो आप वाइट हो, आपको कंपनी ने पेमेंट नहीं दी तो आप ब्लैक हो, क्योंकि आप कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को जान गए, तो एक प्रकार से वाइट और ब्लैक का मिक्स ये कहलाता है ग्रे। ये आपके लिए पॉजिटिव भी कर सकते हैं, निगेटिव भी। पेमेंट दे दिया तो पॉजिटिव करेंगे, पेमेंट नहीं मिला तो निगेटिव करेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा आप देख लें, समझ में आ रही है आप लोगों को बातें मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं भाई, आप हैकिंग और क्रेकिंग अच्छे से कर लीजिए, चेटिंग तो आप लोग करते ही रहते हैं, वो चेटिंग से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्वेश्चन क्रेकिंग और हैकिंग से आएगा, चेटिंग से नहीं आते प्रश्न, है ना। पढ़ लो, मौका मिला है, ये ना हो कि ये वीडियो बाद में सुन के इनसे आंसर लगाना पड़े, पछताना पड़े, है ना, और बाद में मेरा इंतकाम देखेगी वाली बात हो, तो पहले पढ़ लो ताकि पछताना ना पड़े, और पछताने से फिर चीज़ें बिगड़ेंगी। हो सकता है 13 जनवरी को सारे वीडियो सुनते हुए आंसर लगाएं कि भाई ये तो हमारे वीडियो में था, ये तो हमारी क्लास में था, ये हमारे नोट्स में था, पता नहीं हमारी बुद्धि कहाँ गई थी, हमने क्यों नहीं किया, हम उलझे हुए थे टेस्ट सीरीज में, माया जाल में, भ्रम जाल में, बाहर निकले। पहले पढ़ तो दीजिए, पहले बेहतर सोच तो बनाइए, फिर बेहतर समझ तो बनाइए। सोच समझ बनाने में 50-30 दिन लग जाएंगे, फिर प्रश्नाभ्यास करिए, बिना सोच बनाए, बिना समझ बनाए सीधे प्रश्नाभ्यास, अरे कुछ आएगा तो प्रश्न बनेंगे। पहले प्रश्न बार कर रहे, बिना सिर पियर की प्रैक्टिस कर रहे, 100 प्रश्न इधर उधर के उनको प्रैक्टिस कर, भाई पहले विषयवार तैयारी को एक सही दिशा तो दीजिए, 15 से 20 दिन स्वाध्यन तो करिए, और स्वाध्यन हो जाएगा तो फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, मना किसने किया टेस्ट देने को। पहले आप तैयार होइए, कोई भी काम करने के पहले रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ एक प्लानिंग करिए, और प्लानिंग को फिर इम्प्लीमेंट करिए, तब जाके चीज़ें होंगी। हाँ, तो आपको समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हैकर के बाद अगला टॉपिक है क्रेकर, हैकर के बाद अगला है क्रेकर। वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जो सबके सही रहते हैं, है ना। हमको वाले करना है पहले जो सबके गलत होते हैं, पहले उसकी तैयारी कर लें, है ना, क्योंकि कटअप ज़्यादा जाएगा भाई, पद जो है ठीक ठाक है लेकिन फिर भी आप मेहनत करिए। क्रेकर, कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर, कंप्यूटर और नेटवर्क पद्धति में लिखेंगे, कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में, नोट से काम आएगा लिख लीजिए, कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर इनलीगल सॉफ्टवेयर को छेड़ना, पासवर्ड प्राप्त करना और उससे इनलीगल काम करना, और ये सारे काम जो हैं ये क्रेकर करता है। तो आप ये कह सकते हैं जो ब्लैक हेट हैकर है, जो अभी हमने बताया था ब्लैक हेट हैकर है, एक्चुअल में वही क्रेकर है। ब्लैक हेट हैकर है वही एक्चुअल में क्रेकर है, क्योंकि एक तो पासवर्ड पता करेगा, गलत काम करेगा, इनलीगल तरीके से सॉफ्टवेयर डाटा को छेड़ेगा। तो
हैकर और क्रैकर का उपयोग एक ही संदर्भ में किया जाता है। हैकर का जो उद्देश्य है कंप्यूटर और नेटवर्क की प्रणाली की कमियों को दूर करना है, है ना। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, जो हैकर होता है, हैकर और क्रैकर में अंतर क्या होता है, दोनों जनरली एक ही बात है, हैकर से ही क्रैकर निकला है, लेकिन हैकर का जो पर्पस है वो कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा है, कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है, उनकी माइनस पॉइंट को उजागर करना, बताना। पैसे दे दोगे तो फिर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, नहीं दोगे तो आपके लिए निगेटिव रहेगा। जबकि क्रैकर का काम होता है अपराध करना, आर्थिक लाभ करना, इसका काम ही क्राइम होता है अपराध करना, इसका काम ही होता है इकोनॉमिकल बेनिफिट लेना, इसकी सोच ही निगेटिव होती भैया। ये तो फिर भी निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव हो सकता है, लेकिन क्रैकर तो बहुत खतरनाक आदमी होता है, वो तो होता ही निगेटिव है। समझ रहे बात को? बात को समझना बहुत जरूरी है। तो क्रैकर जो होता है उसका पर्पस अपराध करना होता है, आर्थिक लाभ करना उसका पर्पस होता है, और अल्टीमेटली उसका उद्देश्य नुकसान करना होता है किसी चीज को। ठीक है भैया, हमारा जो उद्देश्य है वो बड़ा सकारात्मक है, और सकारात्मक उद्देश्य यह है कि चीज़ें आप तक बिल्कुल सही दृष्टिकोण से पहुँचे, और परीक्षा उपयोगी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। जहाँ पर आपने सर्च इंजन लिया तो वहाँ पर एक चर्चित सर्च इंजन का नाम लिखें, योंडेक्स। योंडेक्स ये रशिया का है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा दें, भारत में भी इसको बैन किया था, चर्चा में था योंडेक्स, डग डग गो जैसा हुआ था ना चर्चा में, वैसी योंडेक्स करके एक लिख लेंगे। योंडेक्स एक सर्च इंजन है रशिया का, योंडेक्स याद रखिएगा, योंडेक्स सर्च इंजन वाले टॉपिक में डाल दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे हम। एक चाइना का बडायू भी है, बडायू ये पूछ चुका है पीएससी, बडायू 2000 में आया था ये, बडायू ये चाइना का और जापान का है, 2000 में था बडायू, बडायू इसको भी देख लीजिए। जैसे गूगल 98 में आया, याहू 94 में आया, वो पूछ चुका है, गूगल 98 में, याहू 94, अब नया पूछेगा, ये भी पूछ चुका है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ये मुझे लगता है बडायू 2000 वाला पूछ चुका है, यंडेक्स पूछ सकता है, यंडेक्स इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की सुरक्षा से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी रिलेटेड उनको देखेंगे, एक शब्दावली है उसको थोड़ा देखेंगे, स्पूफिंग अंडरलाइन करेंगे। स्पूफिंग मतलब क्या? अनाधिकृत डाटा को यूजर द्वारा एक्सेस करना, अनाधिकृत इनलीगल डाटा को यूजर के द्वारा एक्सेस करना, ये चीज कहलाती है। यहीं पर एक लाइन में हैकिंग भी लिख लीजिए, हैकिंग का मतलब क्या होता है, ऑप्शन में आया तो 2009 में आया था, हैकिंग मतलब नेटवर्क में घुसपैठ, हैकिंग मतलब नेटवर्क में घुसपैठ, और क्रैकर होता है जो क्रैकिंग करता है, क्रैकिंग नेटवर्क में घुसपैठ मतलब हैकिंग, और क्रैकिंग मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को और कंप्यूटर के डाटा को तोड़ना, ये तोड़ना, ये घुसपैठ करना, ये घुसपैठ, ये तोड़ना। ये जानकारियों को माइनस बता के सुधार भी सकता है, लेकिन ये तो तोड़ेगा भाई। इसके अलावा मैंने आपको अभी एक फिशिंग के बारे में बताया था, उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिशिंग मतलब कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को धोखे से प्राप्त करना, ये पीएससी ने 2013 में पूछा था, धोखे से प्राप्त करना। इसी प्रकार से एक चीज हमेशा पूछता है स्पैम, अनचाहे संदेशों को ईमेल के रूप में भेजना, स्पैम ये भी पूछा 2011 में, स्पैम अनचाहे संदेशों को ईमेल के माध्यम से गलत तरीके से भेजना स्पैम कहलाता है, अनचाहे संदेशों को गलत तरीके से भेजना, अनचाहे संदेशों को गलत तरीके से भेजना, गलत तरीके से भेजना। आप बिल्कुल पुख्ता चीजें पढ़ें, एबेकस और ये सब पुराने जमाने की चीजें पढ़ने से काम चलेगा नहीं भैया, मॉनिटर और माउस पढ़ के जाएंगे वहां से तकलीफ ही लेके आएंगे। पढ़िए वो जो आएगा, और पढ़ना भी वही चाहिए जो आना चाहिए एग्ज़ाम में, कुछ भी पढ़ के जाइए मत, तो नुकसान आप ही का है, काम का पढ़िए काम का। इंटरनेट टॉपिक से भी प्रश्न बन सकते हैं, इंटरनेट आप ये परीक्षा मंथन में इंटरनेट वाला टॉपिक खोल लीजिए, उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। इंटरनेट टॉपिक अच्छा दिया हुआ है उसमें परीक्षा मंथन में, इंटरनेट देख लीजिए आप, बाकी मैं भी आईएमपी लगवा दूंगा आपको। देख लीजिए उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बताया जाएगा आपको। एक रीडिंग तो बनती है, 4-4.5 घंटे का काम है, एक बार पूरा पढ़ लीजिए किताब को मन लगा के, है ना।
होना नहीं होना आपकी हरकतों पर निर्भर है। आप सही काम सही दिशा में करेंगे तो होगा, कुछ चीज़ों की अवहेलना करेंगे तो फिर उस तरीके से परिणाम आएंगे। जो भी होना है वो आप तय करेंगे। दुनिया की कोई कोचिंग, दुनिया का कोई टीचर किसी व्यक्ति को ना सिलेक्शन करवा सकता ना फेल करवा सकता। व्यक्ति पास अपनी हरकतों से होता है, व्यक्ति फेल अपनी हरकतों से होता है। ठीक है, सही दिशा में काम करें, जो सही है वो करें। आपके लिए क्या सही है वो आप समझिए, आपको क्या अच्छा लगेगा हम वो नहीं करेंगे, आपके लिए क्या अच्छा है हम वो करेंगे। पढ़िए भैया, दिन कम रह गए हैं, मेहनत करिए सही दिशा में। चलिए, इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। 50वें विंटोंट कर्क ने इसको शुरू किया था, 50वें विंटोंट कर्क ने इसको शुरू किया था, विंटोंट कर्क ने 50वें इसको शुरू किया था, विंटोंट कर्क ने इसको शुरू किया था। इंटरनेट का पिता कहते हैं इनको, और ये नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, इंटरनेट नेटवर्क को अपने आप में जोड़ने का काम करता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग एक शब्दावली, इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना, इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट की सुविधाओं का प्रयोग करना, ये चीज कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट की सुविधाओं का प्रयोग करना, ये चीज कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। एक समय था पीएससी पूछती थी इंटरनेट क्या है, चार ऑप्शन में देती थी, मकड़ी का जाला, कंप्यूटर की तकनीक। ये वो 95 का दौर था, ये 2019 का दौर है, प्रश्नों का स्वरूप बदला है, अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा वो। क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट में जुड़कर इंटरनेट की सुविधाओं का लाभ लेना। कुछ महत्वपूर्ण डोमेन देख रहे हैं, जैसे डॉट इन्फो, ये भी पूछा हुआ है। डॉट इन्फो का मतलब है सूचना, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। डॉट गवर्नमेंट, डॉट गवर्नमेंट का मतलब है कुछ डोमेन नेम है, डॉट गवर्नमेंट शासकीय संगठन है। डॉट नेट, डॉट नेट का मतलब यहाँ पर आपके नेटवर्क संसाधन से मतलब है, नेटवर्क रिसोर्सेज से। डॉट ऑर्गेनाइजेशन, डॉट ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है। डॉट इन, डॉट इन का मतलब इंडिया से है। डॉट यूएस मतलब, डॉट यूएस का मतलब डॉट यूएस से है। इसी तरीके से डॉट कॉम वाणिज्यिक संस्थान है, हमारे संस्था का नाम भी हमने डॉट कॉम रखा है, कमर्शियल दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर वाणिज्यिक संस्थान डॉट कॉम। डॉट एजुकेशन ये शैक्षणिक संस्थान है, डॉट एजुकेशन, ये सारे डोमिनियन है, इंपॉर्टेंट डोमिनियन। अब इंटरनेट से बहुत सारी सुविधाएं हैं भैया, इंटरनेट में चैटिंग कर सकते हैं आप, ईमेल कर सकते हैं आप, है ना, इंटरनेट के माध्यम से आप चैटिंग कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप किसी को ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ई लर्निंग कर सकते हैं, ई बैंकिंग कर सकते हैं, ई शॉपिंग कर सकते हैं, जितने भी ई वाली चीज़ें, ई लर्निंग कर सकते हैं, ई बैंकिंग कर सकते हैं, आजकल ई शॉपिंग भी आ रही है ना, मैक्सिमम लोग इसी में लगे हुए हैं ई कॉमर्स में। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया ऑनलाइन शॉपिंग। इसके अलावा सोशल नेटवर्क के बारे में आपको पहले बताया मैंने, सोशल नेटवर्क, ये तमाम चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से हो सकती हैं। भारत में इंटरनेट का विकास हुआ 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट का विकास शुरू हुआ। और VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में यह सुविधा प्रदान करने वाली पहली संचार सुविधा बनी। विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में यह सुविधा उपलब्ध करने वाली पहली संस्थान बनी। अच्छा, इंटरनेट का जो विश्व में इंटरनेट का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो 2 दिसंबर 1969 को आया था, इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, 2 दिसंबर 1969 को 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये अर्पणा नेट नाम से आया था, ARPANET, अर्पणा, अर्पणा नेट अमेरिका में आया था, और 2 दिसंबर 1969 को, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ एक स्टार बना के अर्पणा नेट का फुल फॉर्म लिखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। हाल ही में अर्पणा नेट के 50 साल पूरे हो रहे हैं, हाल ही में अर्पणा नेट के 50 साल पूरे हो रहे हैं, 50 साल इसके पूरे हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट बातों को तवज्जो दें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, और काम की चीज़ों को ही पढ़ते हुए आगे बढ़ना भी चाहिए।
अगर आपको परीक्षा सही मायने में निकालनी है तो चल आगे लिखेंगे। आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग, ये भी प्री में पूछा है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग, आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग, 2012 के एग्जाम में पूछा है आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेल लगा के मत आना, एलन ट्यूरिंग है आधुनिक कंप्यूटर के जनक, एलन ट्यूरिंग। अब हम कुछ बातें लिखते हैं जो काम की है, जैसे एक अंडरलाइन करके लिखेंगे, मार्क मार्क एक अंडरलाइन करेंगे लिखेंगे। 37 से 77 के बीच में आईबीएम कंपनी ने 1937 से 1977 के बीच में आईबीएम कंपनी के द्वारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के द्वारा हावर्ड आइकेन करके एक वैज्ञानिक थे, हावर्ड आइकेन, और हावर्ड आइकेन के नेतृत्व में आईबीएम कंपनी ने एक पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक यंत्र गणना यंत्र बनाया जिसका नाम मार्क एक था, जिसका नाम मार्क एक था। और जो चार्ल्स बेबेज ने पहली स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाई थी वो 1842 में बनाई थी, चार्ल्स बेबेज ने जो पहली स्वचालित जो एनालिटिकल इंजन बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, एक्चुअली डिफरेंस इंजन के नाम से उन्होंने बनाई थी, जो बाद में एनालिटिकल इंजन के नाम से फेमस हुआ था। डिफरेंस इंजन के नाम से इन्होंने पहली कंप्यूटर मशीन बनाई थी 1842 में, 1842 में। एप्पल सेकेंड नाम से 1977 में एक माइक्रो कंप्यूटर, फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर बना था, याद रखिएगा आप। अब ये माउस का आविष्कार किसने किया भाई, थोड़ा देख लो, माउस जो कंप्यूटर में यूज किया जाने वाला माउस है उसके बारे में देख लो। डगलस सी एंगलबर्ट इनके द्वारा माउस का आविष्कार किया गया 1977 में, डगलस सी एंगलबर्ट ने 77 में किया। इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी इसे जाना जाता है माउस को, और इसमें दो बटन तीन बटन है ना, और ऑप्टिकल प्रकार के बटन भी आजकल यूज होते हैं, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। वायरलेस माउस आते हैं आजकल, ट्रैकबॉल माउस आते हैं, ऑप्टिकल माउस आते हैं, माउस के भी बहुत डिफरेंट प्रकार आते हैं भाई आजकल। चलिए MICR ये पूछा हुआ है MPPSC ने 2006 में, MICR क्या है थोड़ा देख लें। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, चुंबकीय जो शाही से लिखे हुए अक्षर होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, जिनको कि MICR के माध्यम से पढ़ा जाता है, कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, आमतौर बैंकों में इसका यूज़ किया जाता है। और MICR जो होते हैं वो 0 से 9 संख्याओं तक होते हैं MICR कोड में 0 से 9 तक के संख्याएं होती हैं, मैंने इकोनॉमी की क्लास में एक बार बैंक पढ़ाते समय बताया भी है। और चार चिन्हों में कुल 14 कैरेक्टर होते हैं। सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है भाई इसमें, तो राज्य लोक सेवा की परीक्षा में सिर्फ MICR का फुल फॉर्म पूछा है। हेकर क्रिकर आपने लिख लिया, एक और शब्दावली आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट है, होएक्स अंडरलाइन करेंगे, IMP लगाएंगे।
हो एक्स अंडरलाइन करके मोस्ट टाइम पे लगा लें इसको। कंप्यूटर और सोशल मीडिया पर जो भेजे गए संदेश है काफ़ी लंबे होते हैं और हम लोग कभी कभी इनको बिना पढ़े ही फॉरवर्ड कर देते हैं, और ये जो तरीका है ये होएक्स कहलाता है। अंत में फॉरवर्ड करने का अनुरोध किया जाता है, जैसे किसी बच्ची की सहायता के लिए कोई सहानुभूति वाला संदेश भेजा गया हो। कभी कभी निगेटिव भी चीज़ें भेजी जाती है, इसलिए पूरे संदेश को पहले पढ़ लेना चाहिए, है ना। कभी कभी बड़े वाले मैसेज होते हैं जिसमें डेडस करके मोर लिखा रहता है, हम उसको पढ़ते नहीं और भेज देते हैं। तो जो लंबे लंबे मैसेज होते हैं कंप्यूटर और सोशल नेटवर्किंग में, उनको भेजना या उसको बिना पढ़े भेज देना, ये चीज़ कहलाती है होएक्स। अंडरलाइन कर ले, IMP लगाएं इसको, अंडरलाइन कर ले होएक्स। लिखें भैया प्रॉपर मैनर में लिखें, आपके लिए मेहनत हो रही। लास्ट ईयर में MPPSC के एग्ज़ाम में हम अनसॉल्व से थोड़ा देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था WWW, मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया था, कुछ तो रिपीट भी होते हैं। द कलेक्शन ऑफ लिंक इन्फॉर्मेशन इज रेसेंडिंग ऑन द कंप्यूटर्स विच इज अवेलेबल थ्रू ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड दैट W3, इसको W3 बोला जाता है। और ये 1989 में मैंने आपको बताया कि ये टीम बर्नर्स ली ने इसको दिया था, दो लाइन इस पे लिख लें, मैं बोल रहा हूँ। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, इसे W3 वेब भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का एक विशाल संग्रह है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज HTML भाषा में लिखा होता है, कंप्यूटर में प्रयुक्त एक भाषा है जो वेब पेज को रोचक बनाती है। यह हाइपरलिंक कही जाती है, इसको लिंक भी कहते हैं, हाइपरलिंक कहा जाता है इसे। हर लिंक किसी दूसरे पेज को इंडिकेट करती है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ब्राउज़र लिंक से जुड़े हुए पेज पर उपलब्ध करा देता है इसको। तो कुल मिला के वर्ल्ड वाइड वेब जो 1989 में टीम बर्नर्स-ली के द्वारा दिया गया था, ये विशाल सूचनाओं का डाटाबेस है और हर सूचना एक दूसरी सूचना से जुड़ी रहती है। पिछली बार क्वेश्चन था कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड की जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहा जाता है। नीचे लिख लो, कंप्यूटर पर लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। एक होम पेज करके भी लिख लो, वेबसाइट ब्राउजर ओपनिंग द वेबसाइट। जब वेबसाइट खोलने के बाद हम वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित जो पहला पेज होता है उसको हम कहते हैं होम पेज। द फर्स्ट पेज डिस्प्लेड बाय द वेब ब्राउजर आफ्टर द ओपनिंग ए वेबसाइट दैट इज कॉल्ड ऑफ होम पेज। नीचे लिखेंगे, वेबसाइट एक खास व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन के लिए निजी वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। वेबसाइट का प्रत्येक डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन, इमेजेस, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ें होती हैं उनको वेब पेज कहते हैं, और इस वेब पेज में वेबसाइट को खोलने के लिए, जब वेब ब्राउज़र को खोलने के लिए जो पहला प्रदर्शित होने वाला पेज होता है उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। तो नीचे लिखो, होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा आप। जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हमारी कक्षा के दौरान, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं।
करेंट अफेयर्स की क्लास में हम बहुत सारे वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे से पढ़ाते समय छूट जा रही हैं उनको 100% करने वाले हैं। आप बिल्कुल तनाव ना लें, परेशान ना हो, सब कुछ करेंगे हम, अच्छे से करेंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे आप, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था स्पैम, ये इसको एक बार फिर लिख लो थोड़ा सा, ये बिल्कुल आना है, यहाँ से क्वेश्चन आना है, चर्चित चीज़ें आनी है, कोई बड़ी हाई चीज़ें नहीं आती। स्पैम ये अवांछित जंक ईमेल है, अवांछित अनसॉलिटेटेड जंक ईमेल्स, अनसॉलिटेटेड अवांछित अनसॉलिटेटेड जंक ईमेल्स, अवांछित जंक ईमेल है, नीचे लिख लें। स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है, स्पैम कल हमने स्मैश देखा था, वो खेलकूद से संबंधित शब्दावली थी, आपको याद होगा बास्केटबॉल में पढ़ा था हमने, ये स्पैम है, दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोनिमस ऑफ नॉर्मली यूज ऑफ द डिस्क्राइब ऑफ अनसॉलिटेटेड जंक ईमेल्स, आंसर लिखेंगे आप स्पैम। स्पैम कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है और इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना, अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना ये स्पैम कहलाता है, और एक प्रकार से ईमेल संदेश का ये अभेदकारी वितरण है, इनलीगल डिस्ट्रीब्यूशन है, अभेदकारी विवरण है। अच्छा, एक कभी चाइनीज सर्च इंजन चर्चा में है 2019 में, उसका नाम कहीं पर लिख लो सर्च इंजन में, सोसो लिख लो आप आईएमपी लगा के, सोसो सर्च इंजन में, SOSO चाइनीज सर्च इंजन है, याद रखना आप, चाइनीज सर्च इंजन है। एक गीगा ब्लास्ट नाम का भी है, इसको भी लिख लो आप, गीगा ब्लास्ट ये अंग्रेजी सर्च इंजन है, गीगा ब्लास्ट। और एक और भी चर्चा में रहा है इस बार सर्च इंजन, स्विस काउस, इसको मोस्ट टाइम पे लगाओ, कई लोग स्विस बैंक से रिलेटेड समझ लेंगे, स्विस काउस ये मल्टी लैंग्वेज वाला सर्च इंजन है। एक और लिख लो चर्चित सर्च इंजन है योपी, चर्चित सर्च इंजन है योपी। एक और लिख लो सोगो यू सर्च इंजन है। एक यांडेक्स से मैंने अभी आपको बताया था रशिया का है, ये भी मल्टी लैंग्वेज है। एक मोजीक नाम का भी है, मोजीक, ये सब चर्चित है, मल्टी लैंग्वेज है, मोजीक है। अभी एक पिछले कुछ दिनों चर्चा में रहा है हॉटबॉट, ये अंग्रेजी वाला सर्च इंजन है, हॉटबॉट जैसे ठाटबाट होते ना उससे याद रखो हॉटबॉट। अब जैसे गूगल खुद जो है मल्टीपल है 1998 में आया था गूगल, जैसे MPBSC ने 2000 में आया हुआ जो चाइनीज बडायू था वो उसको 2011 में पूछा था, बडायू क्या ये चाइनीज है, जो बिंग पढ़ते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट वाला वो भी आपका मल्टीपल है। इसके अलावा एक लैकॉक्स ये भी मल्टीपल है। डकडकगो जो अपन ने भी पढ़ा था, डकडकगो भी एक प्रकार का मल्टीपल है, चाइना का लेकिन मल्टीपल है डकडकगो। इकोसिया ये भी एक प्रकार का मल्टीपल है, इकोसिया कोई नया दे देगा उठा के, इकोसिया। मेटा क्रेवलर ये ऐसा ही मैं पूछा था, मेटा क्रेवलर अंग्रेजी का है। सीरक्स ये भी मल्टीपल है। वेब क्रेवलर ये भी अंग्रेजी है। startpage.com ये भी नया सर्च इंजन है, startpage.com ये भी नया सर्च इंजन है। थोड़ा देख लीजिएगा सर्च इंजन नया वाला पूछता ना, जब डकडकगो आया था तब चर्चा में था तो वो पूछ लिया था। काम का पढ़िए भैया, एग्जाम निकालना तो काम का पढ़िए। नीचे एक लाइन लिखे, जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो हमको वीडियो कैमरे की जरूरत पड़ती है, डिस्प्ले डिवाइस की जरूरत पड़ती है और माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है, कभी भी हमको टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय, याद रखना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वीडियो कैमरा चाहिए,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वीडियो कैमरा चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डिस्प्ले डिवाइस चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए माइक्रोफोन चाहिए, प्रश्न आ जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या नहीं है। तो लिखो इंटरनेट की ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है, ऑडियो वीडियो दोनों वार्तालाप होता है इसमें, इंटरनेट की वह सेवा जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों वार्तालाप होता है इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसके लिए वीडियो कैमरा चाहिए होता है, डिस्प्ले डिवाइस चाहिए होती है, माइक्रोफोन चाहिए होता है, इसमें टेलीफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, याद रखिएगा आप सभी भाई और बहन। अगला लिखेंगे हेडिंग आप पोर्टल, PORTL, पोर्टल लिख लीजिए आप, पोर्टल, पोर्टल से क्वेश्चन आ सकता है, पोर्टल आया हुआ है परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है, पोर्टल। पोर्टल क्या था? पोर्टल एक प्रकार की वेबसाइट होती है, पोर्टल एक प्रकार की वेबसाइट होती है जो अन्य वेबसाइटों के लिंक दिए जाते हैं, अन्य वेबसाइटों के लिंक दिए जाते हैं, आमतौर पर ई कॉमर्स या इस प्रकार की चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, आमतौर पर ई कॉमर्स या किसी चीज़ को सर्च करने वाली इस प्रकार की चीज़ों के लिए इसका प्रयोग होता है। और पोर्टल जो है बेसिकली खोज क्षमता रखती है, किसी भी चीज़ के अंदर सर्च कैपेबिलिटी होती है, पोर्टल में सर्च कैपेबिलिटी होती है। इसके अलावा समाचार जो न्यूज़ वगैरह हैं उनको ढूंढ सकता है, पोर्टल समाचार पत्रों का भी होता है। इसके अलावा ईमेल भी संबंधित है इससे, शेयर मार्केट में जो स्टॉक के प्राइस होते हैं वो पता चलता है, वेदर जो होता है मौसम है उसकी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, वेदर जो है उसके मौसम की इन्फॉर्मेशन पता चलती है, स्पोर्ट और मनोरंजन जैसी सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, स्पोर्ट और मनोरंजन जैसी सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, स्पोर्ट्स और मनोरंजन जैसी सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सरल चीज़ें पूछता है, जैसे पिछली बार वायरस पूछ लिया था उन्होंने कि भाई वायरस क्या है, कंप्यूटर पर तबाही मचाने वाला जो प्रोग्राम होता है जो अपनी प्रतिलिपियां बनाकर मेमोरी को दूषित करता है, तो जानबूझकर जो विघटनकारी सॉफ्टवेयर होता है उसी को वायरस कहते हैं। लिख लो एक लाइन, वायरस मतलब, वायरस इस प्रकार का डिस्ट्रप्टिव सॉफ्टवेयर है, डिस्ट्रप्टिव सॉफ्टवेयर है, विघटनकारी सॉफ्टवेयर है, जानबूझकर इंटेंशनली डिस्प्यूटिव सॉफ्टवेयर है, जानबूझकर विघटन करने वाला सॉफ्टवेयर है, जानबूझकर विघटन करने वाला सॉफ्टवेयर है, जानबूझकर विघटन करने वाला सॉफ्टवेयर, जानबूझकर विघटन करने वाला सॉफ्टवेयर है, जानबूझकर विघटन करने वाला सॉफ्टवेयर है। अच्छा, जब भी कोई साइबर क्राइम करता है तो उसके लिए दो चीज़ें, दो विशेषताएं होती है, साइबर क्राइम की विशेषताएं लिख लीजिए आप, टू कैरेक्टर्स होता है सॉफ्टवेयर साइबर क्राइम जो होता है, साइबर क्राइम यहाँ पर लिख लें। पिछली बार क्रेकर से क्वेश्चन था, साइबर क्राइम से क्वेश्चन था, साइबर क्राइम अंडरलाइन करके दो विशेषताएं लिख लीजिए आप, दिमाग में सेट कर लीजिए। जब भी साइबर क्राइम करता है तो पहला जो होता है वो ऑफेंस जो होता है कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर दक्षता होती है, जो ऑफेंडर होता है अपराधी होता है उसमें कंप्यूटर दक्षता होती है। सीधी सी बात है, जो कंप्यूटर का विशेषज्ञ होगा, जानकार रखने वाला व्यक्ति होगा, टैलेंटेड व्यक्ति होगा, जो ऑफेंडर होगा वो कंप्यूटर स्किल्ड रखता होगा तभी करेगा। और दूसरा, जो शिकार हुआ है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का शिकार, वो इसलिए क्योंकि विक्टिम जो परेशान हुआ है विक्टिम, उसने इग्नोरेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो विक्टिम है, विक्टिम जो है उसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होगी। कितना सरल क्वेश्चन है, साइबर क्राइम से दो विशेषता, आप पढ़ते ही नहीं है, मन लगा के देखते ही नहीं है भाई। एक तो कंप्यूटर का विशेषज्ञ होगा, जो ऑफेंडर होगा वो उसमें कंप्यूटर स्किल होगी, और जो विक्टिम होगा उसने इग्नोरेंस किया होगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में, उसको जानकारी नहीं होगी, तो साइबर क्राइम का ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे। नीचे एक लाइन में क्रेकर फिर से लिख लें, क्रेकर CRACKER, क्रेकर क्या होता है? क्रेकर क्या होता है? ये फ्रुडुलेंट पर्पस से जालसाजी करता है, फ्रुडुलेंट पर्पस से जालसाजी करता है। मैंने बताया भी था, जो क्रेकर होता है वो घुसपैठ करने वाला आदमी, क्या करने वाला आदमी है वो, मतलब अपराध करने वाला आदमी है, आर्थिक अपराध करने वाला आदमी तो नहीं, वह घुसता है कंप्यूटर के अंदर जालसाजी करने के उद्देश्य से, वह अंदर जाने का प्रयास करता है जालसाजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है भाई, डेनियल ऑफ सर्विस, मैंने आपको बताया था DOS, एक लाइन लिख लीजिए डेनियल ऑफ सर्विस। अभी मैंने आपको बताया था डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब है कि हैकर जो है वो इस तरीके से करता है काम। नीचे लिखो, जब किसी डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में लिखो, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक डिनाइल ऑफ सर्विस से मैंने क्लास शुरू की थी अभी पढ़ाते समय, डिनाइल ऑफ सर्विस, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक, When the customer of website network, नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण, नकली नेटवर्क
यातायात के कारण अनेबल टू एक्सेस ऑफ द ड्यू ऑफ फ्लडिंग ऑफ फेक नेटवर्क, नकली नेटवर्क यातायात के कारण एक्सेस करने में असमर्थ हो, एक्सेस इज नॉट पॉसिबल, एक्सेस करने में असमर्थ हो, एक्सेस करने में असमर्थ हो, तो इसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। अरे वो इस तरीके का माहौल बनाता है कि जिस जो कंप्यूटर यूज कर रहा है वही यूज नहीं कर पाए, इसे डिनाइल ऑफ कंप्यूटर एक्सेस कहते हैं, डिनाइल ऑफ कंप्यूटर एक्सेस कहते हैं, डिनाइल ऑफ कंप्यूटर एक्सेस इसको कहा जाता है, डिनाइल ऑफ कंप्यूटर एक्सेस कहा जाता है, डिनाइल ऑफ कंप्यूटर एक्सेस इसको कहा जाता है, डिनाइल ऑफ कंप्यूटर एक्सेस इसको कहा जाता है, डिनाइल ऑफ कंप्यूटर एक्सेस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार था और हमने डिनाइल ऑफ एक्सेस की परिभाषा क्या लिखाई थी बताइए आप, क्या हमने बताया था डिनाइल ऑफ एक्सेस शुरू में बताइए क्या था, देखिए आप कॉपी में डिनाइल ऑफ एक्सेस क्या बताया था जरा पढ़ के पढ़िए, क्या था डिनाइल ऑफ एक्सेस, DOS क्या था बोलिए, हैकर और केकर वाले में देखिए डिनाइल ऑफ एक्सेस मिला क्या था, क्या करते हैं डाटा और संसाधन का सही प्रयोग नहीं कर पाता, इस तरीके का वो नेटवर्किंग में जो है एक नकली भीड़ दिखाते हैं तो जो यूज करने वाला है वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिनाइल ऑफ सर्विस से पूछा हुआ था, जरा पिछले सालों के प्रश्नों को जरा देखें तो सही पूछा क्या था, जैसे अभी हम लोग ब्लैक हैट हैकर्स का पढ़ रहे थे तो ब्लैक हैट हैकर्स में एक क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूटर में जो क्रेकर्स होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता, मैंने आपको भी बताया था कंप्यूटर में जो क्रेकर होते हैं वो एक्चुअल में ब्लैक हैट हैकर को ही, ब्लैक हैट हैकर को ही क्रेकर कहा जाता है, समझे, व्हाइट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स बताए थे, तो एक नीचे स्टार बना के लिखो, स्टार बना के लिखो, क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, कंप्यूटर सुरक्षा में क्रेकर के नाम से जाना जाता है, अर्थात कंप्यूटर सिक्योरिटी द क्रेकर्स आर आल्सो नो दैट ऑफ ब्लैक हैट हैकर्स, क्रेकर को ही ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, क्रेकर को ही ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, क्रेकर को ही ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, आप बताइएगा, ओपेरा, विवाल्डी, गूगल एप्स, मोजेला फायरफॉक्स, गूगल ऐप नहीं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, द सर्विस ऑफ द इंटरनेट दैट इज प्रोवाइड्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कनेक्शंस दैट इज ए कॉल, इंटरनेट की वह सेवा जो ऑडियो वीडियो का वार्तालाप प्रदान करती कहते हैं, चैट, ईमेल, वीडियो चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एग्जैक्टली, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को आप बहुत सिस्टमैटिक मैनर में करिए, आपको कहीं मामला बिगड़ा नहीं दिखेगा। डक डक गो क्या है, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वायरस, न्यूज वेबसाइट, ठीक है। अगला लिखेंगे लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, अंडरलाइन करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, यहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं इसको साइंस टेक में और अच्छे से पढ़ाऊंगा बाद में, मैं जो साइंस की क्लास लूंगा वहां पे कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी से जोड़ूंगा, पहले बेसिक कंप्यूटर पढ़ी। लोकल एरिया नेटवर्क लिखेंगे स्टार बना के, लोकल एरिया नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी है ईथरनेट की, ये ईथरनेट की एक टेक्नोलॉजी, ईथरनेट का एक एग्जांपल है और कंप्यूटर के नेटवर्क को एक्सेस करने की सुविधा देता है, कंप्यूटर नेटवर्क को, कंप्यूटर के नेटवर्क को एक्सेस करने की सुविधा देता है, इस ईथरनेट सिस्टम के द्वारा सूचनाएं ट्रांसफर करने में लोकप्रिय तरीका है और कम खर्चीला है, सूचनाओं को आदान प्रदान करने का लोकप्रिय तरीका है, कम खर्चीला है, लोकप्रिय तरीका है और कम खर्चीला है, लोकप्रिय तरीका है, कम खर्चीला है, ये इंपॉर्टेंट बात, ये बस टोपोलॉजी पर आधारित है, बस टोपोलॉजी पर आधारित है जो लोकल एरिया नेटवर्क है, दिया हुआ इथरनेट किसका एग्जाम्पल है, बस टोपोलॉजी पर आधारित है, आप ऊपर लिख लेंगे इथरनेट और इथरनेट का तरीका है ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये बस टोपोलॉजी पर आधारित है, चारों तरफ पांचों तरफ से सूचनाएं जुड़ी रहती हैं, 10 मेगावाट प्रति सेकेंड की रफ्तार से, 10 मेगावाट प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये सूचनाओं को ट्रांसफर करता है, 10 मेगावाट प्रति रफ्तार से ये सूचनाओं को ट्रांसफर करता है, 10 मेगावाट प्रति रफ्तार से यह सूचनाओं को भेजने का काम करता है, 10 मेगावाट की स्पीड से सूचनाओं को भेजने का इसका काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, 10 मेगावाट से सूचनाओं को भेजने का यह काम करता है, सूचनाओं को भेजने का यह काम करता है,
नीचे लिखे एक क्वेश्चन, याहू किस वर्ष में आया था बताइए भाई, याहू किस वर्ष में आया था? 98 में, 94 में, 96 में, 92 में? जी कब आया था? ठीक है, एनर्जी से बोलिए, आपका ही फायदा है। ठीक है, 1994 में आया था, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए, आप ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, ये तीन तरीके का होता है। कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन आता है, जरा यहां पर लिख लीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क तीन तरीके का होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में मतलब एक दूसरे को कंप्यूटर से जोड़ना। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, कृपया बातचीत ना करें, इथरनेट है, लोकल एरिया नेटवर्क इसको भी लिख लेते हैं। दूसरा होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मेरा प्रयास है कि मैं बिल्कुल वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर को 360 डिग्री से, मेरे वीडियो से, मेरी क्लासरूम से, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास से, एमसीक्यू से, टेस्ट सीरीज से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन कंप्यूटर का नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन कंप्यूटर करंट का नहीं जाएगा, एनवायरमेंट एमपीजी के, जीके एक्ट, जीएस के कोई टॉपिक का नहीं जाएगा। वह ध्यान से आप सुनेंगे, मन लगा के समझेंगे, चीजें समझ में आएंगी। रिपीट होता है भाई क्वेश्चन, अब थोड़ा देखेंगे, दो दो लाइन लिखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क पे लिखेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर का एक समूह है, एक छोटे क्षेत्र में, जैसे कोई भवन है, जो कोई कार्यालय है, वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। भवन है, हाउस है, कोई कार्यालय है, वहाँ जोड़ दिया जाता है ना। उच्च सुरक्षा प्रदान करता है डाटा को। लोकल एरिया नेटवर्क में जो स्थानांतरण है वो तीव्र दर से होता है। मैंने बताया ना कि 10, अभी क्या बताया मैंने आपको, 10 मेगावाट प्रति सेकंड से होता है। इसको इथरनेट सिस्टम पर बेस बोलते हैं और ये बस टोपोलॉजी पर आधारित है और ये कम खर्चीला होता है। जितने भी नेटवर्क है, अडॉप्टर है, इथरनेट है, याद रखना हब है। हब के अलावा जितने भी आपके नेटवर्क हैं, इसके अलावा हब है, नेटवर्क है, इसके अलावा जो है आपके अडॉप्टर है और इसके अलावा जो MPPSC ने पूछा था 2017 के एग्जाम में, इथरनेट क्या है, तो इथरनेट भी जो है इसी का भाग है जो बस टोपोलॉजी पर आधारित है। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये लेन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जब बहुत सारे लेन, चारों तरफ लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, 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 ये चारों तरफ से जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जुड़े हों तो उसको मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कहते हैं। काफ़ी महंगे होते हैं और इसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल की जरूरत पड़ती है। फाइबर ऑप्टिक्स, हम फाइबर ऑप्टिक्स साइंस टेक में पढ़ेंगे, मेंस में, यहाँ जरूरत नहीं है। फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, खर्चीला काम है। वाइड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर में एक दूसरे कंप्यूटर से हजारों किलोमीटर तक जो भौगोलिक दूरी पर है, ये वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। ये लैन से भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है और जितने भी संचार उपग्रह हैं और जितने भी माइक्रोवेव स्टेशन है उसको भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़ी चीज़ होती है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज ग्रेटर देन मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इज ग्रेटर देन लोकल एरिया नेटवर्क, तीनों से क्वेश्चन आए हुए हैं। WWD को किसने खोजा? टीम बर्नर्स-ली ने खोजा। और अगला लिखेंगे मॉडेम, MODEM, मॉडेम, मॉडेम लिखेंगे। नेटवर्क से क्वेश्चन आ सकता है, मॉडेम पे जाइए भाई, मॉडेम। लिखेंगे दो लाइन, क्वेश्चन आता है यहां से। ए मॉडेम इज कन्वर्ट्स दैट, क्या करता है मॉडेम? लिखो, मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका प्रयोग इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका प्रयोग इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए होता है, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए होता है, चाहे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना हो, चाहे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना हो, दोनों में इसका यूज़ होता है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। MPPSC ने क्वेश्चन पूछा था, मॉडेम जो है वो परिवर्तित करता है एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या आएगा? उपरोक्त दोनों, क्योंकि ये डिजिटल को एनालॉग में करता है, एनालॉग को क्या करता है? डिजिटल में करता है। और एक प्रकार की डिवाइस है मॉडेम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, कंप्यूटर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार देख लीजिएगा इसको। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंप्यूटर का अपडेट मैक्सिमम में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी तो वो मैं कवर करूँगा।
अपने आगामी लेक्चर में। जिस तरीके से जीएस हो रहा है, इसी तरीके से हम दो या तीन लेक्चर सीसेट के भी लेंगे, ताकि सीसेट की गंभीरता को भी आप लोग समझें। ये नहीं कि बस पढ़ लिया हो गया काम, ऐसे नहीं चलेगा काम। अभी हम बेसिकली कंप्यूटर में कुछ बुनियादी बातों को देखेंगे। प्रिंटर वगैरह से क्वेश्चन आते नहीं हैं, छोड़ देंगे पूरा टॉपिक। कंप्यूटर की पीढ़ियों को पढ़ने का शौक अगर आप को है तो आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आते नहीं। मेमोरी की इकाइयों से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। एक नीबल बराबरी से होता है, एक नीबल बराबरी से होता है 4 बिट। हम लोग यहाँ पर काम की बातें पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी हेडिंग डाल दें ऊपर, कंप्यूटर कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है। कंप्यूटर का वह भाग है जहाँ डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश सारी चीज़ें होती हैं, और कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब होता है। लेकिन अपने को मेमोरी की इकाइयाँ पूछता है। एक बाइट बराबरी से, एक बाइट बराबरी से होता है 8 बिट, ये पूछ सकता है। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है, एक बाइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1024 बाइट बराबरी से लगभग होता है 1 किलोबाइट, सबसे छोटी इकाई। ये भी पूछा हुआ है सबसे छोटी इकाई क्या होती है। 1024 किलोबाइट बराबरी से होता है 1 मेगाबाइट। किलोबाइट सबसे छोटी इकाई याद रखेंगे। 1024 MB बराबरी से होता है, मेगाबाइट बराबरी से होता है 1 GB, गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट बराबरी से होता है 1 टेराबाइट। और 1 टेराबाइट बराबरी से होता है 1 टेराबाइट बराबरी से 1024 टेराबाइट बराबरी से होता है 1 PB, पेराबाइट। लगभग लगभग दिमाग में आप सेट कर लीजिए। यहाँ से बनने वाले प्रश्न बहुत इजी होते हैं, मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। क्योंकि MPPSC ने सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा, 1024 किलोबाइट्स आर द इक्वल टू 1024 किलोबाइट 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू, तो ये भैया इसका आंसर लिख लीजिए 1 मेगाबाइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है MPPSC ने 2014 में, 3-4 बार पूछ चुका, बहुत प्रेम है इस टाइप के क्वेश्चनों से PSC को, है ना। तो नीचे लिखे मेगाबाइट सूचना मापने की इकाई होती है, और 1024 किलोबाइट बराबरी से 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट बराबरी से 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट बराबरी से 1 टेराबाइट होता है, और 1024 टेराबाइट बराबरी से 1 PB होता है। और ये दिमाग में सेट कर लीजिए। सबसे छोटी इकाई KB होती है, किलोबाइट। ये भी प्री में पूछा हुआ है 2013 में। और मुझे लगता है एक नीबल बराबरी से कितना होता पूछ लेगा इस बार, 4 बिट। ये देख लेना थोड़ा, क्रोम करके अंडरलाइन करो, क्रोम क्रोम। गूगल ने जो वेब ब्राउजर विकसित किया उसका नाम है क्रोम, CHROM, याद रखना है CHROM। गूगल के द्वारा विकसित किया गया, गूगल के द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउजर है। दे देगा कि विच वेब ब्राउजर वॉज डेवलप्ड बाय द गूगल, क्रोम। क्रोम लिख लें, गूगल ने गूगल क्रोम लाया था तो क्रोम याद रखेंगे। विप्रो, विप्रो के मालिक पूछ लेते, उनकी अपन लिस्ट बना लेंगे बाद में। बाइडू अपन ने पढ़ा था, बाइडू कहाँ का सर्च इंजन है, चाइना का, है ना। बाइडू सर चाइना का। स्पैम शब्दावली कैसे रिलेटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है कंप्यूटर से। कंप्यूटर फैलाने वाला वायरस क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। नीचे लिख लो, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। एक बार पूछा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या जरूरी नहीं है, आंसर था टेलीफोन। 13 में पूछा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, नीचे लिख लेना यार, वेब कैम जरूरी है, सबसे ज्यादा वेब कैम जरूरी है। एक नीचे लिख लें, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिपीटेड क्वेश्चन है बॉस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैक्सिमम लोग कर देते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, हमेशा डाटा स्टोरेज का क्रम याद रखना, सबसे ज़्यादा डाटा CD, उसके बाद कायम है DVD, उसके बाद कायम है HD, उसके बाद कायम है Blu-ray, मतलब सबसे ज़्यादा। ये आपके बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब समझते हैं आप,
इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, मतलब सबसे ज्यादा कायम है ये ब्लू रे, ये HD हो गया, उसके बाद ये ब्लू रे, ब्लू रे, ब्लू रे, और सब कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, उसको बोलते हैं क्या भाई, वार्म बूटिंग। सूचना प्रौद्योगिकी से प्रश्न आते हैं, और ये HTTP को दो लाइन लिख लो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। डाटा को हाइपर टेक्स्ट तकनीक से प्रस्तुत करता है, डाटा को हाइपर टेक्स्ट तकनीक से ये प्रस्तुत करता है, साथ ही ये संचालित करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करता है, साथ ही संचालित करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करता है। विभिन्न कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, विभिन्न कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, विभिन्न कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, विभिन्न कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, ये एक प्रकार का नियम व्यवस्था है, एक प्रकार की नियम व्यवस्था है ये। अभी मैंने आपको बताया था, एक बार PSC ने पूछा न्यूनतम मेमोरी की साइज क्या होती है, चूज ऑफ द स्मॉलेस्ट मेमोरी, कई बार बच्चा यही गलत करके आ जाता है, सबसे छोटी इकाई होती है किलोबाइट, याद रखना, सबसे छोटी इकाई होती है किलोबाइट, उसके बाद होती है मेगाबाइट, है ना, सबसे छोटी होती है सबसे छोटी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेराबाइट, ये छोड़ दो आप, तो सबसे छोटी याद रखेंगे, किलोबाइट में लिख लो, ये भी क्वेश्चन आया 2012 में, किलोबाइट स्मॉलेस्ट है। बाइनरी भाषा कितने अंकों से बनी होती है, दो से बनी होती है, याद रखें बाइनरी भाषा दो से बनी होती है, एक जीरो और एक, और बाइनरी सिस्टम को ही बिट कहते हैं, ये जीरो और एक से बनी होती है और इस सिस्टम को ही बिट कहते हैं, और एक निबल में कितने बिट होते हैं बेटा, हाँ एक निबल में 4 बिट होते हैं। देखो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, कितने, और एक निबल में कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, नीचे लिख लो क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर द देयर वन बाइट, क्वेश्चन प्रैक्टिस मायने रखती है, अच्छे से कर लो, हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। पोर्ट करके लिखेंगे अंडरलाइन, पोर्ट, PORT, पोर्ट अंडरलाइन करेंगे, पोर्ट लिखेंगे, पोर्ट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर में द प्लेस ऑफ वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड हियर दैट इन कंप्यूटर, लिखो कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ी रहती है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ी रहती है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ी रहती है उसे पोर्ट कहा जाता है, उसे पोर्ट कहा जाता है, कंप्यूटर में जो एसेसरीज जुड़ी रहती है उसको पोर्ट कहा जाता है, और जब कंप्यूटर में नेटवर्क में सभी नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको रिंग कहते हैं, सभी नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको रिंग कहते हैं, सभी नोड एक दूसरे से, जो कंप्यूटर इंटरनेट के अंदर सभी नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको निड कहते हैं या लूप कहते हैं, रिंग कहते हैं या लूप कहते हैं, रिंग कहते हैं या लूप कहते हैं, जब सभी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो एसेसरीज को पोर्ट, सभी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े तो रिंग या लूप। और मान लीजिए कंप्यूटर में डाटा संचारित करने वाली जो संचार लाइन होती है, जो डाटा को संचारित करती है उसको बस कहते हैं, कंप्यूटर में डाटा को संचारित करने वाली जो लाइन होती है, कंप्यूटर में डाटा को संचालित करने वाली जो लाइन होती है, कंप्यूटर में डाटा को संचालित करने वाली जो लाइन होती है, कंप्यूटर में डाटा को संचालित करने वाली जो लाइन होती है उसको बस कहते हैं, BUS, इसको भी अंडरलाइन कर ले भाई, BUS इसको कहा जाता है, BUS इसको कहा जाता है भाई, कोई विशेषज्ञ थोड़ी बनना है कंप्यूटर में, साधारण कंप्यूटर आता है और वो सरल चीजें हम पढ़ते नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस जाके सरल चीजें गलत कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो गया स्पोर्ट्स का, क्वेश्चन गलत हो गया कंप्यूटर का, क्वेश्चन गलत हो गया करेंट का, क्वेश्चन गलत हो गया मिसलिनियस जीके का, सामान्य सरल बात गलत हो गई एक्ट की, अति सरल बात गलत हो गई MPJK की, तो हर टॉपिक से 3-3, 4-4 गलत, 15 क्वेश्चन गलत परीक्षा से बाहर हो गए, इन पर ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा मन लगाइए, देखिए फिर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए कैसा पैटर्न रहा है, बस आपको बता दिया, रिंग आपको बता दिया, रिंग को लूप कहते हैं बता दिया, पोर्ट आपको एसेसरीज को कहते हैं बता दिया। अब हम कंप्यूटर की भाषा पे चलते हैं, कोई एक भाषा दे देगा कंप्यूटर की, कौन भाषा नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषा, कंप्यूटर की कुछ भाषाएं होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे एक
फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की भाषा है, फोर्ट्रॉन ये भाषा है कंप्यूटर की, आपको डिटेल नहीं पढ़नी है, फोर्ट्रॉन ये कंप्यूटर की लैंग्वेज का नाम है, ये जॉन बोकस ने दिया था फार्मूला ट्रांजेक्शन को लेकर, है ना, फोर्ट्रॉन ये कंप्यूटर की भाषा है गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए। इसके अलावा एलिगो, एलिगो जो आपके एलिग्रामेटिक लैंग्वेज है ये भी कंप्यूटर की भाषा है। इसके अलावा पास्कल, मैं भी इसका क्वेश्चन बना दूंगा नीचे, पास्कल ये कंप्यूटर की भाषा है। इसके अलावा बेसिक ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिगनर्स ऑफ ऑल पर्पस ऑफ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बोलते हैं। इसके अलावा कोबोल, कोबोल कंप्यूटर की भाषा है, है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके अलावा सी, इसके अलावा सी डबल प्लस, है ना, इसके अलावा जावा, जावा जावे जोवे ये कंप्यूटर की भाषा है। इसके अलावा HTML, HTML ये कंप्यूटर की भाषा है। इसके अलावा ओरेकल, ओरेकल 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 ये कंप्यूटर की भाषा है, ओरेकल ये कंप्यूटर की भाषा है। इसमें जो बेसिक वगैरह है ये व्यावसायिक कार्य के लिए यूज़ होती है, बेसिक वगैरह जो है ये व्यावसायिक कार्यों के लिए यूज़ होती है, व्यावसायिक कार्यों के लिए यूज़ होती है, ये कंप्यूटर की भाषा है। इसमें एक प्रोलॉग करके भी है जो 1973 में आई थी, कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोलॉग, प्रोलॉग भी है, कंप्यूटर भाषा से रिलेटेड है, प्रोलॉग कंप्यूटर की लैंग्वेज से रिलेटेड है, प्रोलॉग कंप्यूटर की भाषा है ये, प्रोलॉग 1973 में आई थी, बाकी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। नीचे क्वेश्चन बनाइए प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन एक बेसिक, ऑप्शन दो सी डबल प्लस, ऑप्शन तीन जावा या जावे, ऑप्शन चार पेंट ब्रश। MPPSC 2012 का क्वेश्चन है, लोग इसको भी गलत करके आ गए, क्या करें आप बताइए। अब प्रोलॉग भाषा का आविष्कार कब हुआ याद रखें, 1970। बहुत ही बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, नहीं तो पता चले आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने लगे, MS ऑफिस खोल के बैठ गए, है ना, पढ़ना वही है जी जो आएगा जी, और उतना ही पढ़िए जी जितना जरूरी है जी। अच्छा, अपन ने लैन पढ़ा था, वैन पढ़ा था, वैन मेन पढ़ा था, एक पेन भी लिखना, पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है, इसको वाईफाई के नाम से जानते हैं, पेन एरिया नेटवर्क होता है ना, पेन 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 पर्सनल एरिया नेटवर्क, यही वाईफाई है, ये वाईफाई है, ये पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क को ही वाईफाई बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क को ही वाईफाई बोलते हैं। लैन वैन मेन में ये भी लिख लीजिए, हम लोग सी सेट का भी क्लास कर लेंगे भाई, तो सी सेट में भी आप लोगों को हम काम काम का करा देंगे, जितना हमको कैपेसिटी से आता है और जितनी हमारी क्षमता है, हमारे लिए भी पढ़ाने के लिए इतना ही समय है, आप लोगों के लिए भी पढ़ने के लिए इतनी समय। ये परीक्षा आयाम बदलेगी, यहाँ शिक्षकों के मापदंड तय होंगे, गुणवत्ता निर्धारित होगी, ये परीक्षा पद्धति बहुत कुछ बदलने वाली है, और एक अच्छा दौर राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के बाद आया, अभी तक बच्चा इंतज़ार कर रहा था परीक्षा कब आएगी, अब आ गई तो इंतज़ार कर रहा है कि भाई समय कम क्यों है। अरे भैया पढ़ाई करिए, मन लगाइए, फोकस करिए, अपने अंदर एकाग्रता बढ़ाइए, अपने अंदर की गंभीरता को बढ़ाइए। आज 24 तारीख हो गई, अगला एक महीना आपके पास है 24 दिसंबर, और 6-7 दिन वो तो लगभग 37 दिन और 8 दिन वो लगभग 45 दिन में अभी भी ये युद्ध जीता जा सकता। आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, 70 मिनट का खेल किस तरीके से खेला गया, आखिरी के मिनटों में बदला गया, तो इस तरीके से आपको भी यहाँ गेम को बदलना पड़ेगा, गेम इस टोटल चेंज की थ्योरी पे काम करना पड़ेगा। नीचे एक लाइन लिखेंगे भैया, फायर वॉल, फायर वॉल का यूज क्या होता है, फायर वॉल लिखेंगे भाई, फायर वॉल क्या होता है, संचार प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है जितने भी अनऑर्थराइज अटैक होते हैं उसको रोकने के लिए, अनऑर्थराइज अटैक को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है, अनऑर्थराइज अटैक को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, फायरवॉल इज यूज्ड इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर द प्रोटेक्शन फॉर्म, तो आंसर लिखेंगे अनऑर्थराइज अटैक। नीचे लिखेंगे, फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क का हिस्सा है, फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का हिस्सा है जिसका निर्माण अनऑर्थराइज डाटा के अटैक को, आक्रमण को रोकने के लिए होता है। इसकी कई तकनीक होती हैं, जैसे पैकेट फिल्टर, फायरवॉल की तकनीक होती है पैकेट फिल्टर, एप्लीकेशन गेटवे, सर्विस लेवल गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर, अंडरलाइन कर लो इसको, प्रॉक्सी सर्वर, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक FTP कभी कभी पूछ लेता है, FTP का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, इसको लिख लो अंडरलाइन करके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है और इसके द्वारा हम कंप्यूटर व्यवस्था में आवश्यक जो दस्तावेज हैं उनको अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर पर इस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से भेज भी सकते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ये करीब चौथी बार रिपीट है क्वेश्चन, 8 बिट्स आएगा उत्तर, क्या आएगा? हाँ, इसको एक बार थोड़ा सा दिमाग में रख लो, एक बाइट 8 बिट, एक बाइट क्या हुआ भाई, एक बाइट क्या हुआ 8 बिट, और एक निबल, एक निबल 4 बिट, और इसके बाद आप याद रखना कि एक किलोबाइट, एक किलोबाइट, एक किलोबाइट में कितने होते हैं, एक किलोबाइट 1024 बाइट, और उसके बाद 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, 1 गीगाबाइट डायरेक्ट, 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, 10^24 बाइट, मैं ऐसा लिख दूं, और 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं, 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 × 1024, जरा करके निकालो कितना आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1024 × 1024 कितना होता है, जरा निकालिए, और तीनों का भी निकालिए कितना होता है, जल्दी डाटा रख के जाइए, रट के जाइए, निकाल लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, चलिए इसको लिख लीजिएगा आप जो भी आ रहा है। अच्छा, डायल अप सर्विस लिखेंगे अगला हेडिंग, डायल अप सर्विस, टर्मोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं भैया, ज्ञानी नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ने बैठ गए। सबसे धीमी गति का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन, उसको डायल अप सर्विस कहते हैं, डायल अप सर्विस कहते हैं, डायल अप सर्विस का मतलब होता है सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन, डायल अप टेलीफोन कनेक्शन सबसे धीमी गति का होता है, ब्रॉडबैंड तकनीक इसकी जो है बहुत धीमी होती है। ये ऑफिस वगैरह में यूज होता है। SMPS स्विच्ड मॉड पावर सप्लाई, SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, हमारे टेस्ट में भी था क्वेश्चन, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये पावर कनेक्टर कन्वर्टर्स भी कहते हैं, और ये पावर कन्वर्टर्स के द्वारा जो आवृत्ति होती है उसको चालू बंद किया जाता है ताकि दक्षता वगैरह को एक प्रॉपर लेके चला जाए, और इसमें लीनियर पावर सप्लाई होती है, लीनियर पावर सप्लाई होती है दक्षता वगैरह को मैनेज करने के लिए, लीनियर पावर सप्लाई होती है, लीनियर पावर सप्लाई यहाँ पर होती है, लीनियर पावर सप्लाई यहाँ पर होती है, लीनियर पावर सप्लाई यहाँ पर होती है। हमारी जो परीक्षाएं होती है उसमें हम लोग कॉपी चेक वगैरह करते हैं, OMR शब्द का आपने सुना होगा, तो तीन प्रकार के सिस्टम लिख लो, OMR अंडरलाइन कर लो, OMR क्या होता है, OCR, और एक होता है MICR, तो मैंने आपको भी बताया था, जरा लिख लो दो दो लाइन। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं, कॉपी चेक होती हैं, तो आंसर वगैरह को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, आप जो गोले वगैरह लगाते हैं, सिंबल जो लगाते हैं, वर्गाकार या गोलाकार डिटेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तरी की जांच के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर होता है, पेपर का हाथ से लिए या छपे हुए अक्षर को डिटेक्ट करता है OCR, और तीसरा है MICR बैंक में यूज होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, 0 से 9 मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम, ये तो 4 से 5 बार पूछ चुका है, WWE 4 से 5 बार पूछ चुका है, मीनू लिखेंगे अंडरलाइन करके, मीनू ME, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वो वाला मीनू नहीं है, कंप्यूटर वाला मीनू है, MENU मीनू, अंडरलाइन कर लें, लिख लें, लेकिन भाई मीनू के बारे में लिख लें, मीनू के बारे में पूछ सकता है, मीनू इज कंटेंटलेस, मीनू में विभिन्न कार्य के लिए ऑप्शन की एक श्रृंखला होती है, विभिन्न कार्य को करने के लिए ऑप्शन की एक श्रृंखला होती है, मीनू में विभिन्न कार्य को करने के लिए ऑप्शंस की एक श्रृंखला होती है, लाइक अनटू डू, टाइपिंग कट, कॉपी पेस्ट, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, कुल मिला के कमांड्स का कलेक्शन होता है, ऊपरी में आएगा भी कि मीनू काय की सूची हो तो आप लिखना, कमांड का कलेक्शन होता है, कमांड का कलेक्शन होता है, इसमें कमांड का कलेक्शन होता है, कमांड का कलेक्शन होता है,
प्रोसेसिंग रनिंग और एप्लीकेशन को नियंत्रित करने के लिए, प्रोसेसिंग रनिंग और एप्लीकेशन को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मीनू बार टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, मीनू बार टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, मीनू बार टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, मीनू बार टाइटल बार के सीधे नीचे होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म लिख लो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर याद रखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और HTTP तो मैं बता ही चुका हूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल मैंने बता ही दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है उसका मतलब। परीक्षा के प्रश्नों के स्वरूप में बदलाव थोड़ा बहुत आने की संभावना है इस बार, तो पढ़ने के अप्रोच को थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा, जब हम कोई चित्र वगैरह, संदेश वगैरह, पिक्चर मैसेज रखते हैं तो आमतौर पर वो कितने दिन मोबाइल लिखें, कंप्यूटर के निजी इनबॉक्स में कोई भी चित्र, कंप्यूटर के निजी इनबॉक्स में कोई भी चित्र अधिकतम 30 दिन तक रह सकता है। पूछ लेगा हाउ मैनी डेज विल पिक्चर्स आर मैसेंजर ऑफ कंप्यूटर इन प्राइवेट इंडेक्स बॉक्स, 30 दिन तक वो रह सकता है। कुकी लिखेंगे, कुकी, COOKIE अंडरलाइन करेंगे, कुकी। छोटा सा संदेश होता है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउजर को दिया जाता है, छोटा सा संदेश होता है जो वेब सर्वर के द्वारा वेब ब्राउजर को, वेब ब्राउजर को दिया जाता है, छोटा सा संदेश होता है। URL लिखा था आपने अभी, उसको दो लाइन लिखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिखेंगे। किसी वेबसाइट का यूनिक नाम और एड्रेस होता है। इसका आया क्या 1024x1024 आया? इसका क्या आया 1057? हाँ याद रखिए, इसका किया, हाँ कर लीजिए, ये याद रख लेना, ऑप्शन में दे देगा, मेगाबाइट में 1024x1024 दे देगा, गीगाबाइट में 1024x1024x1024 कर लेना, 1044576 MPPSC ने पूछा है 2001 की PSC में, थोड़ा देखिएगा नहीं तो परेशान कर देगी ये चीज़ आपको। देख लीजिए, वो तीन का भी करके रख लीजिए भाई, क्या आ रहा ना 1044576। चलिए URL पे लिखिए, किसी वेबसाइट का यूनिक नाम और एड्रेस है और इंटरनेट पर आइडेंटिटी किया जाता है, इसमें उसे इंटरनेट पर आइडेंटिटी किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है, किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। ऐसी आप HTML को भी लिख लीजिए जरा दो लाइन में, HTML हाइपर लिंक पर एक प्रकार का टेक्स्ट होता है जिसको HTML कहा जाता है, फुल फॉर्म हमने लिखा था इसका भी। इस पर क्लिक किया जाता है तो ब्राउजर हमें किसी दूसरे वेब पर ले जाता है। क्लिक करने पर कौन सा पेज खुलेगा ये HTML का कोड से निर्धारित होता है, और जब भी हम किसी पेज को खोलते हैं तो URL का प्रयोग करते हैं, URL का प्रयोग करते हैं।
कई बच्चे सब करने लग जाते हैं, एडिटिंग पढ़ने लग जाते हैं पीएससी के पेपर में कि कंट्रोल कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल प्लस सी कॉपी कंट्रोल प्लस वी पेस्ट कंट्रोल प्लस रीड एंड रीड वाई जेड। अरे ये नहीं आएगा भाई, आप व्यापम की परीक्षा थोड़ी दे रहे हो, पढ़ गलत रहे हो इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं पढ़ना भैया। टाइपिस्ट की परीक्षा थोड़ी हो रही है, एडीएम बना रहे, प्रश्न वैसे पूछेंगे। व्यवहारिक कंप्यूटर सिलेबस में है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन एंड सूचना प्रौद्योगिकी है सिलेबस में, कृपया देखें बिंदु नंबर 9। कुछ भी मत पढ़िएगा नहीं तो परीक्षा में दिक्कत आएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, गोफर, गोफर एक प्रकार का गोफर लोफर होते ना वैसे, एक गोफर लिख लो आप यहां पे, गोफर लिखो अंडरलाइन। गोफर एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट के माध्यम से दूर स्थित जो भी कंप्यूटर है उससे डॉक्यूमेंट को सर्च करता है, डॉक्यूमेंट सर्च करने के बाद उसको प्राप्त करता है और डॉक्यूमेंट सर्च करने के बाद उसको प्राप्त करने के बाद उसको प्रदर्शित करने का काम भी करता है, उसको प्रदर्शित करने का काम भी करता है। अच्छा अभी मैंने आपको हैकर्स बताया था, आपको हैकर्स मैंने बताया था, हैकर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर के अंदर घुसकर उसके डाटा को और उसके सॉफ्टवेयर को कमियों को बताना। तीन प्रकार का बताया मैंने, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रीन हैट हैकर्स। व्हाइट हैट क्या करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर और डाटा के अंदर जाकर घुसपैठ करके उसकी कमियों को ना बताकर सुधारने का प्रयास करता है। मैंने तीन व्हाइट हैकर्स के नाम बताए, अंकित फाड़िया और क्या था बताइए, अंकित फाड़िया, दूसरा कौन थे, रामचंद्रन और तीसरा कौन थे, अरोरा त्रासित अरोरा, ये तीन लोग हैं वाइट, ये इथिकली होते हैं, नैतिक हैकर्स होते हैं, सरकार के लिए चौकीदार का काम करते हैं, सरकार के लिए पॉजिटिव काम करते हैं, कभी भी निगेटिव काम नहीं करते वाइट हैट हैकर्स। 2014 में पीएससी ने पूछा व्हाइट हैट हैकर्स क्रेकर को किस नाम से जाना जाता है, देखो ये निगेटिव रहते हैं, ये तो अपराध करने के लिए आते हैं, आर्थिक लाभ लेने के लिए आते हैं, नुकसान करने के लिए आते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स इनलीगल ऑथराइज तरीके से काम करते हैं, घुसपैठ तो करेंगे करेंगे, काम में निगेटिविटी फैलाएंगे, और जो क्रेकर्स होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम ब्लैक हैट हैकर्स होता है। और ये कौन होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स, जो मिश्रित होते हैं, पैसा दोगे कंपनी के द्वारा तो व्हाइट हैट हैकर्स का काम करेंगे पॉजिटिव, मान लीजिए इनका पेमेंट आपने नहीं दिया, मान लीजिए आपने नुकसान कर दिया, मान लीजिए आपने इनके किए गए काम पर इनका प्रॉपर मैनेजमेंट में पैसा पुटअप नहीं किया तो भैया ये आपको नुकसान पहुंचा देंगे, ये ब्लाइट हैट ब्लैक हैट हैकर का काम करेंगे, तो ये मिश्रित हैं ग्रे हैट हैकर्स। विलियम असांजे विकिलीक्स चलाता है, पैसा दो तो आपकी बात दब जाएगी और पैसा नहीं दो तो आपकी बात छप जाएगी। जैसे पत्रकारिता होती है, येलो पत्रकारिता है ना, येलो जो जर्नलिज्म है, जो न्यू मीडिया का रोल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में बातों को छुपाने के भी लोग पैसे लेते हैं, तो बातें छुपेंगी या सामने आ जाएंगी, ये ग्रेट हैट हैकर्स की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। देखिए पढ़ने के तरीके को थोड़ा सामान्य बनाइए। पिछली बार MPPSC ने, राज्य लोक सेवा आयोग ने जो कंप्यूटर के 8 क्वेश्चन पूछे थे, अगर उनकी आप रिसर्च करने जाओगे तो आपको लगेगा बड़ा सतही पेपर है, लेकिन वहाँ परीक्षा में जो बनता नहीं है। अब उन्होंने पूछा WW वर्ल्ड वाइड वेब को लेकर, कि भैया सूचनाओं को आप संग्रहित करेंगे, चीज़ों को आप ढूंढेंगे, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पेज से ढूंढेंगे, और टीम बर्नर्स-ली ने 1989 में खोज की थी, पूरे लाइन को पढ़ने के बाद देखेंगे कि स्टोरेज ऑफ डाटास को सर्च करने के लिए आप क्या करते हैं, ये क्वेश्चन था वर्ल्ड वाइड वेब से। ऐसे ही होम पेज से क्वेश्चन था कि भाई कोई भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको क्या कहते हैं, वो होम पेज होता है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते समय किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेब कैमरा था, माइक्रोफोन था, उसमें एक ऑप्शन था टेलीफोन है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से एक क्वेश्चन था डेनियल ऑफ क्या था वो भाई, सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस, कि भाई कोई आपके कंप्यूटर में घुस करके आपके डाटा को इनलीगली क्रैक करेगा और इस तरीके से घुसपैठ करेगा कि एक आर्टिफिशियल भीड़ बना देगा, आर्टिफिशियल क्राउड बना देगा, इस प्रकार का
इस प्रकार का नेटवर्क डेवलप कर देगा कि आपका पूरा सिस्टम भीड़ परिकल्पना में दब जाएगा। इसको डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। जब एक कृत्रिम भीड़ पैदा की जाती है और इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है कि दूसरे लोग आपके कंप्यूटर का मिसयूज करते हैं, डाटा का, सॉफ्टवेयर का, इसको डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस से क्वेश्चन था पिछली बार। इसी तरीके से और क्या प्रश्न था, एक किसी को याद है? डिनाइल ऑफ सर्विस के अलावा और क्या था कंप्यूटर से क्वेश्चन? क्रैकिंग से क्वेश्चन था, डिनाइल ऑफ सर्विस जी, सर्च इंजन, कौन सा क्वेश्चन था सर्च इंजन? डक डक, वो 2017 में था, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूं। पिछली बार के क्वेश्चनों को भी देखना पड़ेगा ना, मैं पिछली बार क्या क्या पूछा था, आपको ये पता है तो फिर आप अपने पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो वर्ल्ड वाइड वेब से क्वेश्चन था, एक होम पेज से क्वेश्चन था, है ना, एक तो वर्ल्ड वाइड ये गोफर लिख लिया होगा आपने। गोफर क्या बताया मैंने आपको अभी? क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, नहीं नहीं प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल तो एनवायरमेंट में, ये क्या किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? सॉफ्टवेयर क्या करता है? डॉक्यूमेंट सर्च करता है, उनको प्रदर्शित करता है, दूर से दूर कंप्यूटर की चीजें चली गई उनको ढूंढ के ले आता है। तो WWW से क्वेश्चन था, वर्ल्ड वाइड वेब से क्वेश्चन था कि जो लिंक्ड होती है लिखित, जो लिंक्ड लिखित इंफॉर्मेशन होती है रेसिडिंग, उसको क्या करते हैं। दूसरा होम पेज टॉपिक से क्वेश्चन था, जो होती नॉर्मल क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों ने सही किया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो था वो पोर्टल से था कि पोर्टल क्या होता है, इनसे सब प्रकार की जानकारी मिलती है, खेल कूद की, मौसम की, है ना, वेदर की, इंटरटेनमेंट की, समाचार पत्रों की, दुनिया की सब जानकारी। ऐसी एक स्पैम से क्वेश्चन था, है ना, स्पैम से क्वेश्चन था, शब्दावली से, जो जंक ईमेल, जो अनसॉल्वेड जो जंक ईमेल होते हैं। इसी तरीके से एक वायरस से क्वेश्चन था, वायरस किसको कहते हैं, हमने तो वायरस का फुल फॉर्म भी बताया, 72वां वायरस को खोजा किसने बताया, वायरस के विभिन्न प्रकार होता है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्वेश्चन था, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो था वो एक साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो साइबर क्राइम होता है उसमें कौन सा आदमी साइबर क्राइम करता था, हमने बताया जिसको कंप्यूटर इफिशियंसी हो, और कौन का साइबर क्राइम होता है जो विक्टिम को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का नॉलेज ना हो। तो ये एक साइबर क्राइम से क्वेश्चन था कि नहीं था? 7 क्वेश्चन हो गए, और 8वां क्वेश्चन था डिनाइल ऑफ सर्विस से। अब ऑटो क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा देखिए कि आपसे जानने की अपेक्षा क्या कर रहा है परीक्षक। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है बच्चे जो आप नहीं कर पाओ, 8 में 8 लाएंगे आप कंप्यूटर के अंदर। हम तो कह रहे ज्यादा आ जाए तो ज्यादा भी ला लेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत संयमित होकर पढ़ना है। अगले 10 दिन तय करेंगे आप परीक्षा के अंदर हैं कि आप परीक्षा से बाहर हैं। आज 24 तारीख हो गई है नवंबर की, और 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस आते आते ये तय हो जाएगा कि आप MPPSC के 12 जनवरी एग्जाम 2020 के अंदर आ रहे हैं कि एग्जाम जो है आपसे दूर जा रहा है, आप बाहर जा रहे हैं। अगले 10 दिन तय कर देंगे कि परीक्षा आपकी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ठीक है। इसलिए फोकस, आप टारगेट पर फोकस करें, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से मतलब मत रखिए, बस आप पढ़िए, योजना बनाइए, मुझे स्पोर्ट्स पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, 8 क्वेश्चन आए, 10 आए 18 आए, दर्पण के अतिरिक्त अंक को पूरा घोट के पी जाना है, हमारी क्लास के नोट्स को पूरा रट लेना है, पूरे MCQ याद कर लेने हैं, कंप्यूटर में मंथन पूरा पढ़ लेना है, अपडेट पूरा देख लेना है, करंट अफेयर्स पूरे 12-18 महीने की चीजें नेशनल इंटरनेशनल रीजनल लेवल पर घटी है देख लेना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडायवर्सिटी क्लाइमेट चेंज का कल मंडे को लेक्चर है, काम की बातें हम उसमें ज्योग्राफी से जोड़ के कर देंगे, मध्य प्रदेश को 52 जिले 10 संभाग और कल्चरल ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, GK विविध में अच्छी चीजें देखनी है काम की, स्पोर्ट्स वगैरह की चीजों को याद करना है विविध और GK से जुड़कर, प्राइज है, इवेंट्स है, बुक्स है, समिट्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की यात्राएं हैं, विभिन्न महाद्वीपों के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा की गई डील है, और अमेरिका रूस जापान जर्मनी जैसे देशों के द्वारा क्या निर्णय लिए गए, किस संगठन की बैठक हुई है नहीं हुई है, एक्ट में SC/ST Act 1989 में हुए संशोधन, सिविल प्रोटेक्शन में हुए 55 के संशोधन, 93 में ह्यूमन राइट में हुए संशोधन, और GS के अंदर ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से, साइंस में बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के काम की चीज़ें, इकोनॉमी में व्यवहारिक चीज़ें, पॉलिटी में व्यवहारिक चीज़ें, इतनी चीज़ें आप पढ़ना है, मन लगा के आपका एग्जाम निकलेगा निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सेक्शन को हम सेशन वाइज आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ें और संभावना लग रही है मुझे, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर गोफर में को लगा इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 2 लाइन में लिख लो यहाँ पे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगातार पूछ रहा है। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर
इस प्रोटोकॉल का प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर और सर्वर के बीच फाइल के ट्रांसफर के लिए किया जाता है। जैसे कोई डाटा है, जैसे कोई ग्राफ है, जैसे कोई टेक्स्ट है, जैसे कोई चित्र। प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आता है तो आप तो यहाँ हेडिंग ही बना लो प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल में मैं कुछ एक बार फिर से रिपीट करके रिवाइज कर देता हूं। पीएससी में मैंने प्रोटोकॉल देखे हैं, कई बार आया है। एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। एक प्रोटोकॉल है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आता है कई बार, तीन चार बार आया है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टॉपिक है आपका। इसके अलावा गोफर है आपको अभी बताया, जो छूट गया वो देख लेंगे। इसके अलावा टेलनेट है भाई, टेलनेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, टेलनेट है। इसके अलावा आईपी एड्रेस को भी देख लेंगे। डोमेन नेम है, जितने भी डोमेन नेम है, ये सब भैया जितने भी है प्रोटोकॉल है, डोमेन नेम है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब है, www वर्ल्ड वाइड वेब, टीम बर्नर्स-ली वाला। इसके अलावा हाइपरलिंक है, HTML है। और इसके अलावा अभी आपको हमने बताया था URL है। सारे प्रोटोकॉल तैयार कर गए URL। हर साल या तो कोई प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म पूछा है या तो प्रोटोकॉल का कार्य पूछा है। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। गोफर मैंने बताया कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये मैंने बता दिया। एक बार थोड़ा थोड़ा सबको देख लें हल्का हल्का। URL से चालू करते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेबसाइट का यूनिक नाम या एड्रेस होता है, इंटरनेट पर आइडेंटिटी की जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस URL से होता है। हाइपरलिंक ये HTML का हाइपरलिंक एक प्रकार का टेक्सेस होता है, और हाइपरलिंक के द्वारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो किसी भी आपके वेबसाइट पर जब क्लिक करते हैं तो ब्राउजर जो है वो आपको दूसरे पेज पर लेके जाता है, और वहां पर क्लिक करने पे वो पेज खुल जाता है, और HTML के कोड से निर्धारित होता है वो पेज खुलता है, और उसको हम खोलने के लिए URL का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आपका TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म पूछा है, कंप्यूटर नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है, इसको IP भी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसके अलावा ये SMTP है, SMTP ऐसा शॉर्टकट में लिखते हैं, SMTP का फुल फॉर्म पूछा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितने भी इंटरनेट पर ईमेल वगैरह होते हैं उनको प्रयोग करने के लिए इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, कोई भी संदेश भेजना है उसको। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, WWD में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज भेजते हैं वो इसी के माध्यम से होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैंने आपको अभी पढ़ाया, गोफर मैंने आपको अभी बताया, टेलनेट रिमोट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, रिमोट मैनेजमेंट। आईपी एड्रेस कंप्यूटर में जो है न्यूमेरिक चीजें होती हैं उसकी पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। डोमेन नेम वेबसाइट के लिए यूज होता है, जैसे google.com, organization.com, government.in.ae, www वर्ल्ड वाइड वेब है मैंने आपको बताया। ये इतने सारे प्रोटोकॉल है भाई, देख लेना इसको, ठीक है क्या? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप देखते चले। विविध हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, हम लोग अगले कुछ लेक्चर में विविध पर विशेष ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि विविध से मुझे लगता है प्रश्नों का स्वरूप इस बार थोड़ा अच्छा आने वाला है, और वो अच्छे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम अपनी कक्षा का विषय क्षेत्र बनाएंगे, ठीक है अभी।